दीदी 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 माँ का पारा गरम है, बताना नहीं मैं कहूँ प्लीज 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 दीदी। अरे कहाँ गया ये लड़का, पहले तो दिन भर घर से गायब रहता था, आजकल तो पैसे भी गायब करने लग गया है। अरे माँ सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो, अपने ही पैसे लेकर गए ना, पड़ोसी के तो नहीं चुराए ना। मगर वो कहाँ गया है बता। वो अब वो अमिताभ की फिल्म देखने गया होगा। माँ वो कोई फिल्म विल्म देखने नहीं गया, वो यही है। नहीं माँ तुम्हारी कसम से मैंने आज उसे झूठी कसम खाती उस नालायक के लिए। नहीं माँ मैं ठहर तो, उसे बाहर निकालना मुझे आता है, अभी निकाल। माँ माँ क्या माँ ये भी पगला गई है। अगर मुझे घर से बाहर फेंका तो चलता, लेकिन मेरे अमित जी को बाहर फेंका अच्छा नहीं किया माँ। अच्छा नहीं किया? नहीं माँ। ठहर अभी अच्छा करती हूँ, अभी अच्छा करके बताती हूँ। ठहर तू, आज मुझे नहीं छोड़ूंगी। बस 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 तू बीच में मत आ। राधा इसकी तरफदारी कर करके तूने इसे बिगाड़ दिया है। मैं कह देती हूँ जब तू शादी करके जाएगी ना तो ये पछताएगा, रोएगा। उसकी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि जब मेरी शादी होगी ना तो मैं इसे भी साथ ले जाऊंगी। और आपके साथ रहेगा कौन, हम दोनों अपनी दीदी के साथ रहेंगे। बड़ा आया दीदी के साथ रहूंगा। अरे तेरा पति जब तुम दोनों को डंडे मारेगा ना तब पता चलेगा। अगर मेरा पति हम दोनों को डंडे मारेगा ना तो मैं भी उसे डंडे मारूंगी। हाँ। लेकिन अपने भाई को नहीं छोड़ूंगी, इसे मैं अपने कलेजे से लगा कर रखूंगी। हे भगवान, तुम भाई बहनों से मैं बहस नहीं कर सकती, तुम दोनों कभी नहीं सुधर सकते। माँ क्या है? माँ मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ माँ, जानती हो क्यों? क्यों? क्योंकि आपने मेरी दीदी को जन्म दिया है, है ना दीदी? पागल। अरे राधा सूरज की नजर उतारना मत भूलना। अरे हाँ सूरज की नजर उतारनी है, भुला ही दिया मुझे। आप भी अमित जी चलो जी। चल तू जलाल तू आई बला को ये क्या कर रही हो? चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू। चल ये क्या कर रही हो? तुम्हारी नजर उतार रही हूँ, देख नहीं रहे हो? ओके देन बराबर होता है। जलाल तू आई बला को डाल तू। ये ये राधा जी मेरी भी नजर उतारो ना, डेट निकल गए हैं। तुम्हें नजर लगाएगा कौन जो उतारू, खुद ही उतार लो। फिर से फोन। राधा अगर स्टार के घर पे फोन नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा? हेलो जब देखो तभी फोन। Hi, फैन फोन फैन yeah. फोन सारा दिन फोन पे लगे रहते हो। छे अब नाश्ता कर लो, ठंडा okay. हो जाएगा yeah. पराठे कैसे हैं? बहुत अच्छे। और सब्जी कैसी है? बहुत अच्छे। वो तो अच्छी होगी मैंने जो बनाई है। वैसे ये तुम्हारा जब गाना और ये फैन वैन है ना मेरी वजह से है, मेरा खाना नहीं तो तुम्हारा गाना नहीं। क्या हुआ सर? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ सर? बहुत मिर्ची है इसके अंदर। अरे क्या बात कर रहे हो, अभी तो मेरे खाने की तारीफ कर रहे थे। अरे मैं तुम्हारे खाने की तारीफ नहीं कर रहा, मैं अपने फैन की तारीफ कर रहा जो मेरी तारीफ कर रही थी। यू माइंड? ठीक है इससे अच्छा खाना मैं नहीं बना सकती। और अगर तुम्हें अच्छा खाना खाना है ना किसी अच्छी लड़की से शादी कर लो। हाँ हाँ मुझे किसी खूबसूरत लड़की तलाश है। राधा जी आप क्यों नहीं शादी कर लेती? मैंने कहा ना मुझे किसी खूबसूरत लड़की तलाश है, खूबसूरत लड़की तलाश है। ठीक है ठीक है, मुझे भी कहा तुम्हें दिलचस्पी है, मेरे पति की ना बड़ी बड़ी मूंछें होंगी। ये बड़ी बड़ी होंगी, ये बड़ी बड़ी मूंछें होंगी तुम्हारे पति की, और हकला होगा हकला जो तुम्हारा नाम राधा करके बुलाएगा, समझी? हसमुख भाई देखिए ना वो। हेलो हाँ नहीं नहीं यहाँ कोई सूरज वरज नहीं रहते हैं। अरे नाम तो पूछो। हाँ वो बिजी। नाम पूछो। क्या नाम है? सुमन। अरे मुझे तो फोन। नहीं वो बिजी है। थैंक यू। हेलो हाँ सुमन। अरे अरे तुम बोलती क्यों नहीं हो? क्योंकि उसकी बोलती मैंने बंद कर दी है। जानती हो मुझे तुम्हारे होने वाले पति पे तरस आ रहा है ऑलरेडी। ये मेरे लिए सर। तुम्हारे लिए नहीं है, क्या है ये? लेटर सर। लेटर है? मुझे भी मालूम है। ये क्या है? गोपाल किशन बॉम्बे, गोपाल किशन बॉम्बे, यानी मेरा ही लेटर तुमने मुझे ही वापस भेज दिया। अब देखो ऐसा करो जितने भी लेटर्स हो, जितने भी सेल लीड्स हो, जितने भी अमूल स्प्रे के डिब्बे आए वो पार्टी को मत भेजना, मेरे घर भेज देना। मैं अमूल स्प्रे को दूध में डाल के पी के रात को सो जाऊंगा, तुम मुझे लोरी सुनाना। ओके सर। व्हाट ओके सर? सर लोरी कहा आपने? मोना मोना तुम्हारा दिमाग किधर है, तुम क्या सोचती रहती हो? मोना मोना जी सर।
ये लो और जाओ, गो नाउ, वन मिनट। यस सर। चलो अंदर, बहुत गर्मी है, इस ऑफिस में एसी नहीं चलता। तुमको बहुत गर्मी लगती है तो फिर ये जिस्म क्या दिखाती रहती हो तुम? सर उस दिन के बाद तो मैंने लॉन्ग स्कर्ट पहनना शुरू। मैं नीचे की नहीं, मैं ऊपर की बात कर रहा हूं। देखो मुझे तुम्हारे लिए एक यूनिफॉर्म बनाना पड़ेगा जिसके बटन नीचे से लेकर ऊपर तक हो, यो लाइक दिस। ओके नाउ गो प्लीज। मोना गो गो गो। या हेलो भैया, मैं नीता। हाँ नीता बोलो। भैया बाबा की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है, वो बार बार लक्ष्मी आंटी को ही याद कर रहे हैं। लक्ष्मी, लक्ष्मी। बाबा मैंने लक्ष्मी आंटी को भी खबर कर दी है, वो आती ही होंगी। राधा बाबा ठीक हो जाएंगे ना, उन्हें कुछ होगा तो नहीं? तू चिंता मत कर माँ, उन्हें कुछ नहीं होगा। लक्ष्मी। बाबा नहीं बाबा। हे भगवान तूने ये क्या किया, इतने सालों बाद मेरी बेटी मुझसे मिलने आ रही थी और तूने उसे ही छीन लिया, इससे अच्छा तो मुझे उठा लेता। हेलो हसमुख यार, सॉरी आज रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती। नहीं नहीं कल भी नहीं हो सकती, परसों भी नहीं, पता नहीं कब हो सकती है। अभी मैं बोल नहीं सकता कब होगी, आप फोन रख दीजिए, नहीं तो मैं रख देता हूँ। सब बॉडी पर बैठ कर आ रहे, कोई समझता ही नहीं है। आप खाना तो खा लो। कैसे खा सकता हूँ यार, 3 दिन से राधा भूखी है। तू जानता नहीं यार, जब मैं छोटा था भूखा प्यासा दर दर भटकता था, राधा ने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया, मुझे सहारा दिया और अब वो खुद बेसहारा हो गई। सरजी मैं जानता हूं इस वक्त ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। क्या आप राधा जी से शादी क्यों नहीं कर लेते? मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। मैंने राधा के लिए क्या क्या सपने देखे, एक खूबसूरत पति, एक बड़ा ऊंचा खानदान, जहां पे मेरी दादा जाए वहां पे खुशियां ही खुशियां हो। सपना तो अच्छा है लेकिन ऐसा पति मिलेगा कहां? मिलेगा, जरूर मिलेगा। रामू काका, ओ रामू काका, देखो देखो कौन आया है। अरे तुम लोग वहां बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ, अब तो ये सब तुम्हारा है, आज से तुम दोनों मेरे साथ इस घर में रहोगे। रामू काका। अरे प्रशांत बेटा, राधा बेटी। नमस्ते। कैसी हो? ठीक। आप कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल। अरे अब बातें बाद में कर लेना, जाओ इनका सामान लेकर आओ। अरे बस गया और आया। दीदी इतना बड़ा घर तो मैंने सिर्फ अमिताभ बच्चन की फिल्मों में देखा है। ओ शांता बाई। नाना जी ऊपर जाके घर देखाऊं? अरे ऊपर क्या बेटा, तुम तो सारा घर देख कर आओ, अब तो ये तुम्हारा ही है। आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, मकान है, बताओ तुम्हारे पास क्या? गलती मेरी है, अम्मी जी के डायलॉग बोल रहा था ना इसलिए टकरा गया। क्या बात है मालिक, आज आपके खेल को देख के ऐसा लगता है आपकी जवानी वापस आ रही है। अरे सिर्फ जवानी ही नहीं रामू, मेरी खुशियां भी लौट आई हैं। मैं समझा नहीं मालिक। अपने दोस्त से किया वादा
मेरा मतलब है गोपाल के पिता, जो अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़कर गए थे। उन दोनों की परवरिश का वादा जो मैंने अपने दोस्त से किया था वो आज पूरा हो गया। गोपाल और नीता अब खुद अपनी देखरेख कर सकते हैं। अब मैं अपनी बेटी के दोनों बच्चों की देखरेख करूंगा। जो प्यार बचपन में उनसे छिन गया था ना, मैं वो उन्हें लौटाऊंगा। बस एक काम अभी भी बाकी। वो क्या? दवाइयां खाने का, जो आप लोगों ने किया नहीं होगा। अभी अभी बीमारी से उठे हैं और बच्चों की तरह टेबल टेनिस शुरू हो गया। और काका आप भी उन्हें नहीं रोक रहे, आप भी चालू हो गए इनके साथ। चलिए अब ये सब छोड़िए, जाइए आराम कीजिए, दवाइयां खाइए। ये गोलियां, ये दवाइयां, ये सब बंद। बंद? क्या मतलब बंद? अब मैं बिल्कुल फिट हूँ और बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तेरी शादी करने जा रहा हूँ। आप खुश हैं तो आपने मेरी शादी की सोची। मुझे कोई शादी नहीं करनी बाबा। अरे कैसे नहीं करनी शादी, मैंने तो तेरे लिए लड़की भी ढूंढ रखी है। अरे आपने मुझसे तो पूछना चाहिए, मुझसे पूछे बिना। अरे तो इसमें तुमसे पूछने की क्या जरूरत है? शादी मुझे करनी है कि आपने करनी है? बाबा मुझे कोई शादी नहीं करनी है। क्यों? और वैसे भी बाबा बचपन से एक लड़की मेरे दिल में बसी हुई है, मैं बस उसी से शादी करूंगा। असल में बेटा एक लड़की ना बचपन से मेरे दिल में भी बसी हुई है, तो मैं तुम्हारी शादी उसी से करूंगा। हाँ। अगर आपके बचपन से बसी है तो आप ही की उम्र की होगी, आप शादी कर लीजिए ना उससे। अरे नहीं नहीं, मैं उसे उसके बचपन से जानता हूँ। देखो तुम बहस क्यों कर रहे हो? बहस नहीं कर रहा हूँ, मुझे शादी नहीं करनी है बाबा। तुम कर रहे हो बहस। अरे इसमें बहस की क्या बात है? छोटे हो, मान लो मेरी बात। अगर मुझे शादी नहीं करनी तो नहीं करें काका, आप उनसे कहिए ना। अरे मुझे शादी नहीं करनी। नहीं करनी काका से क्या पूछ रहा हूं मैं। नाना जी के दिल में जो लड़की बसी है उससे शादी करने दीजिए ना इन्हें। अब बेटा तुम बीच में मत बोलो ना। देखो क्यों जबरदस्ती। तुम कब आई? अभी थोड़ी देर हुई। नहीं वो सब ठीक है, ये बातें बातें। तुम्हारे लिए जो लड़की हमने ढूंढी है ना, वो और कोई नहीं है, वो है हमारी राधा। बाबा मैं कह रहा था ना कि मेरे दिल में जो लड़की। अरे चुप रहो ना, मैंने कह दिया अब राधा से ही शादी करनी होगी। हाँ बाबा जिस लड़की की मैं बात कर रहा था ना। ना ना बीच में मत बोलो जब मैं। अरे राधा मैं बाबा से कह रहा था कि मुझे एक लड़की पसंद है, लेकिन बाबा तो ना, राधा से तो... क्या पूछ रहे हो? ठीक है बाबा। तुम दोनों की शादी हो जाए तो मैं तीर्थ यात्रा पर निकल जाऊंगा। जैसी आपकी मर्जी। राधा तुम्हें तो मालूम है ना कि मेरे दिल में कौन लड़की है? मुझे नहीं मालूम। अरे तुम्हें कैसे नहीं मालूम, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए ना। नहीं मालूम मुझे। अरे उस वक्त वो बाबा के सामने उन्होंने टाइम ही नहीं दिया मुझे बताने का। राधा तुम्हें तो मालूम होना चाहिए। मुझे नहीं मालूम, और उस गधी के बारे में मुझे मालूम भी नहीं करना। तुम्हें उस गधी के बारे में मालूम होना चाहिए। क्यों? क्यों क्या? अरे सब भूल गई क्या तुम? बचपन में छतरी के नीचे जब बारिश हो रही थी, नहीं याद नहीं? नहीं। और वो छोटा सा घर था, राजा रानी का खेल, कुछ याद नहीं? वेरी गुड। ये क्या तुम राजा रानी का खेल, छतरी के नीचे वगैरह? अच्छा बताओ कहाँ है वो? यहाँ है। वो तो मुझे भी मालूम है, लेकिन अब मैं तुम्हारे दिल में कैसे झांक सकती हूँ? मेरे बेडरूम में झांक सकती हो? वो बेडरूम में है। बेडरूम में मेरे बेड के पीछे जो ड्रेसिंग टेबल है उसके पास जाओ, जाके देख लो। नहीं मुझे नहीं देखना, वो नाना जी का काम है। और अरे मुझे... नाना जी की तो ऐसी की तैसी, उनकी वजह से तो ये कंफ्यूजन है सारा। देखो तुम जाओ जाके देखो। नहीं नहीं मुझे नहीं जाना। सुनो हमारी शादी मैं... नाना जी को मत बोलो, हमारी शादी होने वाली है, मैं चाहता हूँ तुमको सब कुछ साफ साफ मालूम होना चाहिए। जाओ नहीं देखना। जबरदस्ती है कभी। देखो 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 स्टूपिड इडियट, बेडरूम तक पहुंच गई। मेरे दिल में झांक के देखो, बहुत खूबसूरत है क्या? पता नहीं होगी कोई बंदर या ही, बाथरूम में तो नहीं। हेलो कोई है क्या? देखा कहाँ देखूं, कोई भी तो नहीं है, फोटो भी नहीं है। मैंने कहा कहाँ फोटो है? मैंने कहा ड्रेसिंग टेबल के पास देखो। कहाँ है? देखो कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ एक ब्रश है। ब्रश नहीं, इधर आओ, ये देखो इसमें, ये देखो। कहाँ है? ये देखो ना, ये तो मैं हूँ। तुम ही तो हो। मैं? झूठ बोलते हो तुम। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, सच राधा, मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो। राधा। हाँ। नाना जी बुला रहे हैं। I love you. राधा बेटी आई। राधा
तुम्हारे दिल में भी सिर्फ मैं ही हूं ना। I love सूरज यार, पता नहीं कब आएगा। अरे राधा, राधा वेट फॉर मी। हाय। हाय। अरे रुको। हेलो। हेलो। चलिए, देखा ये सब सूरज के फैंस हैं। सारी लड़कियां तो सूरज में मरती हैं। वेस्ट ऑफ टाइम आई थिंक। कहाँ है वो? ऊपर है। चलो ये सिगरेट फेंक दो ना। चलो चलो। हाय हसमुख भाई, मैंने कहा था ना, ये है हसमुख, डेट वाले। हेलो। सूरज के सेक्रेटरी। राधा जी, सूरज को क्या हुआ? सूरज को, सूरज की कार का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? हाँ, कार टूट गई, उनकी आवाज चली गई, भगवान की दया से वो बच गए। अब कहाँ है वो? अभी भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं, अपने रूम में बेड रेस्ट ले रहे हैं। ऊपर? अरे मजाक करते हो? बेवकूफ बनाते हो मुझे? मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। क्यों? जान निकाल दी, जान निकाल दी थी मेरी। और तुमने भी तो मेरी जान निकाल दी थी जब तुम अपने नाना के पास चली गई थी। उसका क्या? उस वक्त नहीं सोचा सूरज से क्या होगा? अरे गोपाल सर, आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? नहीं, भले ही मत बताइए, लेकिन जिसकी शादी हमारी राधा के साथ होने वाली है उसकी पूरी जन्म कुंडली हमारे पास। ये कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं, इनका क्या बिजनेस है, लाइक्स क्या, इनके डिसलाइक्स क्या, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, तुमसे कितना प्यार करते हैं, और तुम्हारी शादी 21 जुलाई को होने वाली है ये भी मुझे पता है। ओ बाय द वे सर, माय नेम इज सूरज। हेलो सूरज, राधा बहुत तारीफ करती है तुम्हारी। ऑब्वियसली ऑब्वियसली। अच्छा सूरज, शादी से दो दिन पहले आना। हाँ, आप जा रहे हैं? हाँ चलते हैं, आगे कार्ड्स भी देने, लेकिन तुम शादी पर जरूर आना। दो दिन क्या, चार दिन पहले आऊंगा, नहीं तो मेरे बिना शादी कैसे होगी? करेक्ट। थैंक्स, नाइस टू हैव मेट यू। ओके, थैंक यू सर। ओके, सी यू। गोपाल सर, गोपाल सर, मेरी दादा का पूरा ख्याल रखना प्लीज। फिक्र मत करो सूरज, मैं तुम्हारी दादा का बहुत ख्याल रखूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। राधा एक बात पूछूं, बताओगी? तुम इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किससे करती हो? अपनी माँ से। गुड, वेरी गुड। माँ से तो करना ही चाहिए ना। माँ ही तो हमको जन्म देती है, पालती है, पोसती है, बड़ा करती है। दुनिया में सबसे प्यारी चीज माँ ही होती है। ए, ए, अपनी माँ के बाद इस दुनिया में तुम सबसे ज्यादा प्यार किसको करती हो? अपने भाई से। प्रशांत? हाँ, पता है क्यों? क्योंकि उस बेचारे का मेरे सिवा इस दुनिया में और है ही कौन। मैं ही उसकी माँ हूँ। ऐसा क्यों लगता है कि आज मदर्स डे है? क्या गोपाल, अब कुछ ना ही पूछो तो अच्छा रहेगा, वरना यही जवाब मिलेगा। क्यों? कि माँ के बाद बड़ी माँ, बड़ी माँ के बाद छोटी माँ, दादी माँ, नानी माँ, इसकी माँ, उसकी माँ, माँ की माँ। हेमा। हेमा, ये कौन है? हेमा? हेमा? नहीं, नहीं, हेमा कोई नहीं है। तुम मामा कह रही थी ना, तुम्हें से पसंद है? मुझे नहीं पसंद। गुड, मुझे भी नहीं पसंद। आपने आगे पूछा नहीं, पूछते तो मैं यही कहती, आप ही मुझे सबसे ज्यादा प्यारे हैं, आज से आप ही मेरे सब कुछ हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट रेडी? बस 5 मिनट और। हाँ, लाओ मैं सेक देता हूँ। अरे क्या हो गया तुमको? देखो जल गया ना, वो जलन हो रही है क्या? हाँ, दर्द हो रहा होगा ना, हमें क्या करूँ मैं?
क्या कर रहे हो? केस बस 5 मिनट। अरे क्या कर रहे हो? गरम तवे को कोई हाथ लगाता है? देखो जल गया ना। हाँ, बच्चों जैसी हरकत करते हो। इसको जाओ डाइनिंग टेबल पर बैठो। मैं अभी नाश्ता लेकर आती हूँ। मैं यहीं बैठ कर नाश्ता करूंगा। वहां बैठो। वहां बैठ कर क्यों करूं? मैं यहां बैठ कर अपनी बीवी को देखते देखते करूंगा। जरा घूम के दिखाओ ना। क्यों? जरा घूमो ना प्लीज। थोड़ा सा पीछे 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 देखना प्लीज प्लीज। तुम वो पीछे से जालीदार ब्लाउज क्यों नहीं पहनती? मुझे पसंद नहीं है। अच्छा लगता है। और ये साड़ी इतना ऊपर क्यों बांधती हो? साड़ी तो थोड़ा नीचे बांध सकती हो ना। अरे, तुम यहाँ हटो ना। इधर अच्छा नहीं लगता। अरे अच्छा लगता है। सब पहनते हैं, जिनकी कमर नहीं होती वो लड़कियां भी पहनती हैं। और तुम्हारी तो इतनी अच्छी कमर है। क्या हो गया? तुम वहां बैठो चुपचाप, मुंह बंद करो और ये गरम पराठा खाओ। अगर मैं मुंह बंद कर लूंगा तो पराठा कैसे खाऊंगा? मजाक कर रहे हो? कैसा लगा मजाक? मजाक हो तो हंसूंगी ना। हाँ बोलो दिनेश। आज आज नहीं यार। नहीं 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 आज बिल्कुल नहीं। अरे नहीं मैंने बोल। अरे दिनेश मेरी नई नई शादी हुई है, जरा जाऊंगा बीवी के साथ बैठूंगा, बातचीत करूंगा, थोड़ी प्यार मोहब्बत करूंगा उसके साथ। हाँ तो मना। अरे नहीं बोला ना, मेरी बीवी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? अरे उसको समझा दो मैं नहीं आ सकता हूँ आज। तुम बोल दो उसको। किसने कहा तुम? नाना ने कहा। ऐसा करो तुम नाना को ले जाओ। हाँ अरे नाना को ले जाओगे तो मेरा रास्ता भी थोड़ा साफ होगा। तुम लेकर जाओ उनको बस। हाँ दीदी। क्या है? दीदी मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसे? हाँ। कितने? सिर्फ 5,000 बस। 5,000 रुपए? हाँ दीदी एक सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल मिल रही है, जैसे अमित जी चलाते ना, मुझे भी चाहिए दीदी प्लीज। इतने पैसे अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं नाना जी से बात। जीजू क्या हो रहा है? कुछ नहीं दीदी, नाना जी से बात करने की बात कर रही थी। अच्छा अच्छा क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। अरे तो कुछ करते क्यों नहीं? जाओ अंदर जाओ, तुम्हारे अमिताभ का नया वीडियो है, जाओ जाके देख लो। जी दीदी वो नाना जी का मैटर। अरे क्या नाना वाना, चलो जाओ। जी और पूरा देखना, बीच में वापस मत आना। जी ए तुम कहाँ जा रही? वो नाना जी के लिए खाना बनाना। अरे जिसे देखो नाना नाना नाना। अरे इधर आओ। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। तुम भी ना कहीं भी शुरू हो जाते हो। तो क्या करूं, सारा दिन तुम किचन में होती और मैं ऑफिस में, पता है आज सारी मीटिंग्स कैंसिल करके आया हूं। इधर आओ। अरे क्या कर रहे हो? नाना जी आ जाएंगे। अरे नाना की तो ऐसी की क्या हुआ राधा बेटी को? कुछ नहीं, ऐसे ही जरा चक्कर आ गए थे। चक्कर आ गए क्या? अभी ठीक है। मैं तो डर ही गया भाई, पता नहीं क्या। नहीं नहीं नाना जी आप ना, बाबा आप जाइए आराम कीजिए, मैं संभाल लूंगा। दीदी क्या हुआ दीदी? अरे कुछ नहीं हुआ तुम्हारी दीदी को यार। वाकई कुछ नहीं हुआ, ये संभाल लेगा। आओ दीदी। दीदी आप ठीक तो हो ना? दीदी तुम जाओ ना यार। अरे चल तुम जाओ, वीडियो देखो। क्या हुआ दीदी को? क्या हुआ दीदी को? क्या अभी चलो भैया। अरे ये यहाँ होगा ना, वो बाबा आए थे क्या? इधर तो कौन बाबा? हाँ आए थे, अंदर हैं। अच्छा क्या कर रहे हो भैया? अरे करने की कोशिश कर रहा हूँ, हो कर रहा है। कुछ नहीं ढूंढ रहा हूँ कुछ, अंदर जाओ। क्या ढूंढ रहे हो? अरे तुम्हें बाबा चाहिए ना, अंदर जाओ। चलो जाओ। अच्छे लगते हो तुम गुस्से में। पहले मैं ये बाबा और नाना का मैटर सेटल करके आऊंगा परमानेंटली। बाबा बाबा बुलाया जी? आइए आइए आप यहाँ बैठिए प्लीज। हाँ। यहाँ बैठिए। देखिए बाबा मैंने आपकी कल सुबह की बनारस की टिकट बुक कर दी, आप वहां पर पहुंचेंगे। चारों धामों की तीर्थ यात्रा का इंतजाम हो चुका है, बंदोबस्त हो चुका है, एब्सोल्युटली परफेक्ट। ओके ऐसे कैसे? ओके बेटा मुझे पहले अपने पोते पोती का मुंह देखना है। वही तो बाबा, अगर आप अपने पोते पोती का मुंह देखना चाहते हैं तो आपको चारों धाम की तीर्थ यात्रा पर जाना ही पड़ेगा। क्यों? वो आपने मन्नत मांगी है ना, उसे तो पूरी करनी पड़ेगी ना। लेकिन वो तो यहाँ से भी हो सकती है ना? नहीं 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 इसको कुछ नहीं मालूम, चुप।
बाबा आप वहां पर जाके मन्नत मांगेंगे तो ज्यादा असर पड़ेगा, आप खुद ही तो कहते हैं ना बाबा। तो आप कल सुबह जाएंगे ना? हाँ। पक्का? हाँ भाई पक्का। गुड, तो आप जाइए ना, जाके पैकिंग कर लीजिए। पैकिंग? बेटे मेरी थोड़ी मदद करो ना। जी मैं अभी आई। एक का तो पैकअप करा दिया, बाबा भी कुछ समझते ही नहीं ना, अब किसी ने डिस्टर्ब किया ना तो एक एक करके सबका पैकअप करा दूंगा। क्या हुआ? अपने आप से क्या बातें कर रहे हो? कुछ नहीं, ऐसी जरा परफ्यूम लगा रहा था। दूध ला ला ला। थैंक यू, तुम भी लगा लो। अच्छा एक बात बताओ, बाबा का सब सामान पैक कर दिया ना? सारा खाने पीने का सामान भी रख दिया? गुड गुड गुड। चेक कर लिया ना कुछ? हाँ। रह तो नहीं गया ना रहा था? सब काम हो गया। ओके कल वो सुबह चले जाएंगे ना? पक्का? हाँ पक्का। यानी अब हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। अरे ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे साथ थोड़ी फुटबॉल खेल लूँ। फुटबॉल? ठीक है फुटबॉल नहीं तो वॉलीबॉल खेल लेते हैं। अरे ये पहले पहले लाइट तो बंद कर दो। लाइट बिल्कुल बंद नहीं होगी। इधर जाओ जाकर फोन उठाओ। जिसका भी फोन हो उसे कहना कि मैं बहुत बिजी हूँ, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। फुटबॉल? फुटबॉल नहीं, मेरा मतलब उसे कहना कि मैं बहुत गहरी नींद में हूँ और सुबह तक मुझे डिस्टर्ब मत करें। सुबह तक? सुबह तक। ठीक। हेलो। हेलो राधा। सूरज तुम क्या कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ? कुछ नहीं। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? डिस्टर्ब नहीं। स्टॉप करने की कोई दवा है? क्या स्टॉप करना है? डायरिया। डायरिया? कैसे? जरूर कुछ उल्टा सीधा खाया होगा। क्या खाया था तुमने? मैंने एक पार्टी में थोड़ा सांबर खा लिया था, एक बार खाया हूं और 15 बार मैं तो दवा क्यों नहीं ली? अरे जब से तुम शादी करके गई हो मुझे पता ही नहीं इस घर में क्या किधर है। देखा पड़ गई ना मेरी जरूरत? हाँ पड़ गई। अच्छा एक काम करो, बताओ तुम कहाँ हो? अरे घर में और किधर। अरे घर पे हो तो मुझे भी पता है, लेकिन कहाँ घर पे? हॉल में। हॉल में? एक काम करो ऊपर बेडरूम में जाओ। क्या है उसको? जुलाब हो गया है। ओह जुलाब, उसको कहो ना 20-20 पी ले। नहीं 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 साले को जुलाब अभी लगना था। पहुंचे कि नहीं? अरे राधा मैं इससे फास्ट नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। क्या हुआ क्या हुआ? हंस रही यहाँ पे मेरी हवा टाइट और तुम हंस रही हो? कितनी बार कहा है कि जब भी खाओ हिसाब से खाया करो, और तुम हो कि सांबर देखते ही कढ़ाई में कूद पड़ते हो। अरे सांबर पे कहीं लिखा था क्या? Do not have more than one donga, you'll get diarrhea. क्या क्या क्या? मैं मत करूं। बाहर देखो बाहर। चुप रहो। क्या? नहीं तुम नहीं तुम नहीं। अच्छा ऊपर पहुंचे कि नहीं अपने बेडरूम में? हाँ बाबा पहुंच गया हूँ, पहुंच गया हूँ बाबा, पहुंच गया हूँ, पहुंच गया हूँ। सामने कपाट है? हाँ है ना। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। क्या हुआ? अरे होल्ड ऑन करो, आ रहा हूँ। अरे होल्ड ऑन करो, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। हेलो। क्या वो फोन कर गया? नहीं नहीं। हाँ टॉयलेट गया लगता है। ओ अकेला जाता है वो टॉयलेट? मजाक मत। कमाल है। हेलो 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 बोलो। हाँ सामने का पार्ट है ना वो खोलो। हाँ खोला। उसके अंदर किताबें हैं? है ना। किताबों के पीछे दवा रखी है। अच्छा मिल गई। उसमें से 2 गोली ले लेना। ठीक है। पानी? ज्यादा पानी पीना। हाँ थैंक यू। अच्छा सुनो लाइट बंद करूं मैं? एक मिनट जरा चुप रहो। देखो लाइट ओके ओके चुप रहो। हेलो। हाँ और सुनो अगर तबीयत ज्यादा खराब हो जाए ना तो मुझे फोन कर देना। okay. मैं इनको लेके वहां पहुंच जाऊंगी। ठीक है संकोच नहीं करना। अभी चले? नहीं नहीं चलते हैं। हाँ ओके बाय बाय। इसी वक्त मिला था फोन करने का। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है ना बेचारा सूरज। शादी क्यों नहीं कर लेता? आप ही बोलियो ना। अगली बार मिलेगा तो जरूर बोलूंगा। ए गेम? क्या है गेम? वो वॉलीबॉल। वॉलीबॉल फुटबॉल? अब देखता हूं तू फोन कैसे करेगा।
गोपाल बेटे हा? कुछ परेशान से लग रहे हो है? क्यों? बस यूं ही पूछ रहा था। अरे बेटा वो है ना अपने श्यामलाल जी, अपने पड़ोसी ना, उनका बेटा महेश, जिसको तुम अच्छी तरह जानते हो। शादी के बाद बेचारा बहुत परेशान रहने लगा। क्यों? अरे उनका परिवार बहुत बड़ा है ना, इसलिए दोनों पति पत्नी ना तो आपस में बात कर सकते थे और ना ही ठीक से वो रह सकते थे। बस आ गया मेरे पास, पैरों पड़ गया, गिड़गड़ाने लगा। बस मैंने उसकी 2 मिनट के अंदर परेशानी दूर कर दी। काका क्या बताया आपने उसको? अब जाने दे बेटा, क्या बताया उसे? अरे बताइए ना, क्या बताया आपने उसको? अब तू जिद कर रहा है तो बताना तो पड़ेगा ही। मैंने उससे कहा कि तू अपनी पत्नी को लेकर कहीं दूर चला जा, कोई और शहर, और दोनों 24 घंटे साथ ऐश करो, मजे करो। बस हो गई उनकी परेशानियां दूर। दूर हो गई? हाँ, आज तक तेरे काका के पैर चूते। ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं आप? मैं बेवकूफ लगता हूं जो ये आइडियाज दे रहे हैं ऐसे आप मुझे? जाइए, गो गो प्लीज। स्टूपिड मैन। क्या बात है? आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। कल नहीं लग रही थी? कल भी लग रही थी, लेकिन आज ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। क्यों? क्योंकि परसों हम स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। स्विट्जरलैंड? अरे वो तो बहुत दूर है। इसीलिए तो जा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों क्यों नहीं जाओगी? वहां बहुत ठंड होती है। तो हम ये गर्म कपड़े साथ में ले लेंगे। अगर फिर भी ठंड लगी तो? मैं हूं ना। मैं हूं ना। हम लोग प्लेन से जाएंगे ना? अरे नहीं, अगर मुझे प्लेन में उल्टी आ गई तो? तो कोई बात नहीं, मैं ऐसा करता हूँ, मैं बहुत सारे नींबू साथ में ले लेता हूँ और सारे सफर में तुम्हें नींबू पानी पिलाता रहूंगा। ओके? लेकिन प्रशांत और नीता की देखभाल कौन करेगा? प्रशांत और नीता के बारे में तुम्हें भूल ही गया, उनको भी साथ में ले लेंगे। ओके? सच? और बाकी मोहल्ले वालों को भी ले लेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। राधा, हमारा हनीमून, हस्बैंड वाइफ, मैं, तुम, तुम, मैं, और बीच में तीसरा कोई भी नहीं। अच्छा? यस। फोन। रहने दो ना राधा, फोन तो बज रहा है। ओके 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 ओके, मैं उठाता हूँ, तुम ये काम करो, ये लो। ओके, मैं उठाता हूँ। ऑलराइट, ओके। हेलो। हाँ मैं बोल रहा हूँ। हाँ तो मैं ही बोल रहा हूँ। गोपाल सर, मैं सूरज बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बोलो सूरज। मैं राधा से बात कर सकता हूँ? क्यों, हमसे बात नहीं करनी क्या? अरे हेलो सूरज, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, माइंड ब्लोइंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि मैं अब्रॉड जा रहा हूँ। अच्छा, कहाँ? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड कब? परसों। तो हमारे साथ ही चलो ना, हम भी तो परसों स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। अच्छा? क्या हुआ? नहीं नहीं तुम नहीं। अच्छा सुनो, गर्म कपड़े लेकर रखना, वहाँ पर ठंड होती है। ओके? हाँ, ओके बाय। और सुनो, वो जो स्वेटर मैंने तुम्हारे लिए बनाया था ना, वो भी लेके रखना, भूलना नहीं। वो स्वेटर मैं कैसे भूल सकता हूँ राधा। ओके बाय। तुमने सूरज के लिए स्वेटर बनाया? गुड। सुनो, सूरज भी स्विट्जरलैंड जा रहा है। लेकिन राधा राधा, मैं सोच रहा था कि तुम ठीक ही कह रही थी, हम स्विट्जरलैंड नहीं जाएंगे। लेकिन क्यों? अरे तुम कह रही थी ना, वहाँ बहुत ठंड होती है। तुमने तो कहा था कि गर्म कपड़े लेके जाएंगे। लेकिन क्या है कि सफर इतना लंबा है और तुम कहती हो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, उल्टी। हाँ, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम मेरे लिए नींबू पानी बनाओगे, कहा था ना। जाएंगे ना? या जाएंगे। लेकिन अभी कहाँ जा रहे हो? नींबू लाने। अच्छा सुनो, 3 लाना है, एक एक सूरज के लिए। इंटेलिजेंट। हनीमून हमारा है और हमारे साथ सूरज भी आएगा। कबाब में हड्डी, वेरी गुड। अभी देखता हूँ।
Excuse me. Yes, sir. Can I help you? Yeah. मैंने आपसे टिकट लिया था स्विट्जरलैंड का. अब मुझको स्विट्जरलैंड नहीं जाना है. आप इसको चेंज कर देंगे प्लीज? पर सर थोड़ी देर पहले तो आप स्विट्जरलैंड के लिए जोर दे रहे थे. बहुत फाइट कर रहे थे, राइट? यू वांटेड टू गो टू स्विट्जरलैंड. लेकिन लेकिन अब मैं आपको जोर दे रहा हूं कि मुझे स्विट्जरलैंड का टिकट नहीं चाहिए. अब मुझे कहीं और का चाहिए. आप मुझे स्कॉटलैंड का दे दीजिए. आई एम सॉरी सर, वी डोंट हैव. तो नेदरलैंड्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है. आइसलैंड? सॉरी सर, न्यूजीलैंड? सॉरी सर. ये कौन सा लैंड है? इट्स थाईलैंड. गुड, आई लाइक थाईलैंड. थाईलैंड का कर दीजिए. आई हैव ऑलवेज लाइक थाईलैंड. यस, आई एम सॉरी सर, वी डोंट. क्या सॉरी सॉरी कर रही हैं आप? क्या सॉरी सॉरी कर रही हैं आप? मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ रही हैं. मेरे को कोई भी लैंड चलेगा, पर स्विट्जरलैंड नहीं चलेगा. एक्सक्यूज मी सर, आप समझाइए इनको प्लीज. आप यहां सीधा इंटरनेशनल एयरपोर्ट चले जाइए. yeah. वो लोग आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे. श्योर? या लाइक लाइक टिकट दीजिए. yeah. टिकट दीजिए प्लीज. या थैंक यू. एक्सक्यूज मी, या व्हाई डोंट यू गो टू स्विट्जरलैंड? इट्स अ नाइस प्लेस. मैंने आपसे पूछा. पहले आप ठीक ढंग के कपड़े पहनिए, फिर लोगों को सलाह दीजिए. स्विट्जरलैंड? Why should I like Switzerland? You like Switzerland? She likes Switzerland. इनको दीजिए टिकट. इनको Switzerland का टिकट दीजिए आप. Switzerland. I don't like Switzerland. Okay? I don't like it. Happy? कर राधा क्या काका? राधा बेटी ऊपर है. ऊपर है. ठीक है, मैं जाता हूँ. राधा. सूरज आओ आओ. बात नहीं करना मुझसे तुम. मैं सुधीर ढूंढने के परेशान हो गया तुम्हें. पता है क्या हुआ? वो कह रहे थे टिकट में कुछ गड़बड़ हो गई थी, तो हम लोग स्विट्जरलैंड गए नहीं. तो फिर कहाँ गए थे तुम लोग? एक्चुअली मुझे भी नहीं पता हम लोग कहाँ गए थे, लेकिन जहाँ भी गए थे बहुत खूबसूरत जगह थी. इतने फूल थे वहाँ, हरियाली, इतनी ठंड थी, बहुत मजा आया. मैंने तुम्हें फोन भी किया था पर तुम मिले ही नहीं. शादी हो गई लेकिन अभी बच्ची हो तुम. अच्छा बताओ मेरे लिए क्या लाई हूँ? तुम्हारे लिए हाँ. ये देखो ये शर्ट लाई हूँ. फैंटास्टिक. लेकिन मुझे ये वाली पसंद है. ठीक है, ये मैं उनके लिए लाई थी, लेकिन तुम रख लो, मैं उन्हें ये दे दूंगी. ओके. पहन के देखो, पहन के देखो. हाँ. ए, क्या कर रहे हो ये? हाँ? रुको, क्या कर रहे हो ये? क्या कर रहे हो ये? शर्ट बदलो. किसी और के बेडरूम में किसी और की बीवी के सामने कपड़े उतार रहे हो? शर्म नहीं आती तुमको? बदतमीज कहीं के. खबरदार, जो आज के बाद किसी के सामने शर्ट उतारे तो बॉडी बिल्डर कहेगा. ठीक है, मैं बॉडी बिल्डर हूँ. मेरी बॉडी इसलिए मैं शर्ट उतारा हूँ. तुम्हारी बॉडी तो तुम उतारो. हाथ मत लगाओ, हाथ मत लगाओ. ये मेरा बेडरूम है, मेरी बीवी है, मैं जो मर्जी करूँ. तुम नहीं कर सकते. तुम्हारी बीवी अब हुई है? तो इससे पहले तुम्हारी बीवी थी क्या? नो 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 नो. गोपाल सर. हाय. हेलो. क्या हुआ सर? कुछ नहीं, कुछ नहीं. नहीं, आप कुछ नो नो बोल रहे थे? नहीं, वो ये मोबाइल पर किसी का रॉन्ग नंबर बार बार आ रहा था तो मैं नो नो. अरे सर, ये मोबाइल नंबर किसी को देना मत सर, बहुत गलत फोन आते हैं. वैसे घर का नंबर भी लोगों को नहीं देना चाहिए. हाँ, बराबर है. You're right, you're absolutely right. आपका टूर कैसा था? Very nice. आप स्विट्जरलैंड नहीं आए ना? और ये शर्ट? वेरी नाइस. ऐसे लगता है जैसे तुम्हारे लिए ली गया. मैं तो ऐसी पहन. शर्ट क्यों उतार रहे हो? डोंट टेक ऑफ योर शर्ट प्लीज. ओके सर, सो यू टेक माइन. नो थैंक यू. नहीं, मैं दूसरों की यूज की हुई चीज यूज नहीं करता हूँ. ये मेरी पॉलिसी. ओह, व्हाट अ पॉलिसी, फैंटास्टिक पॉलिसी. थैंक यू. लेकिन सर मेरी भी एक माइंड ब्लोइंग पॉलिसी. क्या? मेरी पॉलिसी है कि मैं किसी को कुछ भी यूज कर लेता हूँ. मुझे मालूम. वेरी फनी. नहीं, एक बात बताओ सूरज, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? हाँ सूरज बताओ, क्योंकि बार बार मुझे यही पूछते रहते हैं. इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन यही है कि आप दोनों की शादी हो गई, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी शादी हो गई. अब जब मुझे कोई भूख लगती है तो मैं यहाँ पे आके खाना खा लेता हूँ. जब मैं बोर और होता हूँ तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ. जब मुझे कुछ मस्ती वस्ती करनी है तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ. अब जब मुझे बच्चे अच्छे चाहिए होंगे तो मैं आप दोनों से कह दूंगा कुछ बच्चे जो पैदा करो यार, ताकि हम आके खेल सके उसके साथ. यानी सब काम हम दोनों तुम्हारे लेकर के दे रहे हैं. वेरी फनी. क्या? हाँ मैं जा रहा हूँ. इतनी जल्दी? अरे मुझे काम है, बहुत काम है मुझे. और सर भी आ गए ना, तो तुम थोड़ा सा टाइम. नहीं, मैं चला जाता हूँ. अरे वहाँ क्या बोल रहे थे आपसे? क्या कह रहे थे आपसे? मस्ती? नहीं, उसके पहले. बच्चे? नहीं, उसके बाद. हाँ याद आ गया सर, क्या ना कि अरे एक मिनट रुको ना, मर्द बात कर रहे हैं प्लीज. हाँ देखो, बुला दिया मुझे. बोलो ना. हाँ हाँ याद आ गया सर. राधा, बाद में बताऊँ. अरे नहीं बोलो ना. अरे मैं बाद में बताऊँ. अरे जो सबसे मजा आया ना वो किसी चीज में नहीं सर. बाय बाय बाय. बच्चे हो?
अच्छा लगता है। मैं खाना बनाती हूँ। ओके। बच्ची, बॉडी बिल्डर, नहीं, ठीक ही है। हेलो सुमन, हाय। नहीं, आज मैं तुमसे वो बात नहीं करने जा रहा हूँ जो कि मैं 3 साल से रोज करते आया हूँ, कि तुम कैसी हो, तुमने क्या खाया, तुमने क्या पिया, तुम कब उठी, तुम कब सोई। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज मैं तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ, और वो ये है कि दुनिया में कितनी तेज रफ्तार से तरक्की हो रही है। हर डिपार्टमेंट में, हर जगह प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस हो रहा है। आजकल लोगों के एक हाथ में मोबाइल फोन है और दूसरे हाथ में गर्लफ्रेंड। और मेरी लाइफ की ट्रेजेडी यह है कि मैं जहां 3 साल से खड़ा था, आज भी वहीं खड़ा हूं। मेरे हाथ में मोबाइल फोन तो आ गया है, लेकिन पगल की गर्लफ्रेंड मिसिंग है। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं। मेरी जिंदगी की तरक्की, प्रोग्रेस तुम्हारे एक बात से हो सकती है, और वो ये है कि तुम मुझसे कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, दैट यू लव मी। और अगर तुमने मुझसे ये कहा तो मैं ये समझूंगा कि लोग तो सिर्फ चांद तक पहुंचे, मैं तो चांद से भी आगे निकल चुका हूं। इसलिए मैं 10 सेकेंड वेट करके और तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा करूंगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू सुमन। अब मैं ये खुशखबरी राधा को सुना के तुम्हें वापस फोन करता हूँ। ओके, वापस, बाय। अरे जल्दी जाने, तो ना फोन बज रहा है। अरे राधा, फोन को छोड़ो, कोई और उठा लेगा, हॉल में बहुत लोग हैं। तुम मेरी ये टाई बांधो, चलो। ओह, मुझे नहीं आता टाई वाई बांधना। अरे टाई कैसे नहीं बांधनी आती? ये लो, मैं तुमको टाई बांधना सिखाता हूं, पकड़ो इसको। अच्छा ठीक है, बहुत आसान है। अब इस बड़े वाले को इसके ऊपर रखो, इधर, अब खींचो इसको। अरे सीधे खड़े रहो ना। अरे टाई कैसे बांधूंगी? टाई ऐसे ही बांधते हैं, चलो खींचो। अरे क्या कर रहे हो तुम? अरे छोड़ो ना। क्या है? सीधे खड़े रहो ना। अरे नहीं, ऐसे ही होता, चलो खींचो खींचो। कोई देख लेगा ना? कोई नहीं देखेगा। क्या कहीं भी शुरू नहीं, बीवी के साथ तो हूं ना। अरे क्या है सब, हॉल में सब? तो हॉल के लिए दूसरी बीवी ले आऊं क्या? इधर आओ। राधा बेटी, सूरज का फोन है। एक मिनट। देखो, मुझे तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। अभी नहीं, वो ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे हैं। ओके, तुम्हारे पति देव ऑफिस के लिए कितने बजे रवाना होंगे? 10-15 मिनट में। ओके ठीक है, मैं तुम्हें 10 मिनट फोन करता हूँ। नहीं, उनके ऑफिस जाने के बाद मैं तुम्हें फोन करूंगी, ठीक है? राधा, I'll tell you something, I'm in love. Thank you, bye. I'm very happy. लाओ, मैं टाई बांध देती हूँ। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, रहने दो। देखो, जब तुम्हें तुम्हारे फोन से फुर्सत मिल जाए ना, तो टाई बांधना सीख लेना। क्या करो? बहुत टाइट है, बहुत टाइट है। I'm in love. क्या है यार, टाई बांधना नहीं आया तो नाराज हो गए। लग गया दीदी, लग गया, मेरा नंबर लग गया। क्यों चिल्ला रहे हो, क्या बात है? कौन बनेगा करोड़पति में मेरा फोन लग गया दीदी। उन्होंने मुझसे पूछा एक सवाल और मैंने दिया सही जवाब। अच्छा दीदी, शो में जब मेरी बारी आएगी ना फोन अ फ्रेंड की, मैं आपको फोन करूंगा और आप भी देना सही जवाब, फिर हम जीतेंगे 1 करोड़ रुपए, 50-50 दीदी। और हाँ, जीजू को थोड़ा दे देंगे, और काका को, नाना को, सूरज को, और हाँ नीता को थोड़ा ज्यादा दे देंगे, वो पैसा ज्यादा खर्चती है ना। ज्यादा दे देंगे, करोड़पति तो दूर की बात है, फिलहाल तो तुम बंदर लग रहे हो। ये क्या बांध रखा है माथे पे? स्टाइल दीदी, अमित जी स्टाइल, जैसे आपने बांध रखी है ये जीजू स्टाइल। कहाँ स्टाइल किया है, वो तो जबरदस्ती मेरे गल में बांध गए हैं। 1 घंटे से कोशिश कर रही हूँ, ये निकलती नहीं है। इसे कैसे निकालते हैं? दीदी ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स क्या, 1 करोड़ रुपए जीतने के बाद मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स हल कर दूंगा। अब सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? पहनने को कपड़े हैं लेकिन जेब में पैसे नहीं। कल तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व। थैंक यू दीदी।
प्रशांत, प्रशांत आया जीजू। जी जीजू। तुम्हें 5,000 रुपयों की क्या जरूरत पड़ गई? जीजू वो मैंने एक मोटरसाइकिल देखी थी, जैसे अमित जी चलाते ना, मुझे भी चाहिए। तो तुमने खुद ले लिए? ये आप क्या कह रहे हैं जीजू? कसम अमित जी की मैंने ऐसा... देखो मुझे झूठ बोलने वालों और चोरों से सख्त नफरत है। और ये शर्ट बंद करो। इस जीजू आपको को गलतफहमी हुई है, मैंने कोई चोरी नहीं की। प्रशांत इज द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम। ओके आप मेरा यकीन मानिए जीजू, मैंने कोई चोरी नहीं की। गो। लेकिन जीजू मैंने कोई चोरी नहीं की जीजू। क्या बात है, ग्लास हाथ में नहीं दिया? राधा हे, क्या हुआ? अरे आपने मेरे भाई को चोर कैसे कहा? ऐसा कुछ नहीं, बैठ के बात कर, बैठो। अरे बैठो बैठो ना राधा। मैंने प्रशांत से सिर्फ इतना कहा कि अगर उसे कभी कुछ चाहिए हो तो मुझसे मांग ले। नहीं, आपने उसे चोर कहा, कितना दुख हुआ उसे। बैठो तो सही ना, पागलों जैसी बात मत करो। मैंने जो उससे कहा उसकी भलाई के लिए कहा। आज से पहले इस घर में कभी चोरी नहीं हुई। अच्छा, तो जब से हम इस घर में आ गए इस घर में चोरियां शुरू हो गई। ऐसा कहा मैंने? हमेशा आप उसका अपमान करते आए हैं। अरे तो तुम्हारा और आज उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। आप उसे समझते क्या है? हम लोग भी ऐसे वैसे नहीं है, हमारी परवरिश भी अच्छे संस्कारों में हुई है। अगर आपको उसका इस घर में रहना पसंद नहीं है तो आप उसे बाहर निकाल दीजिए। बस बस, मैं चुप हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारे मन में जो आए वो कहती रहो। भैया इतनी बड़ी बात। सॉरी भैया, कल कॉलेज के लिए लेट हो रही थी, कॉलेज की फीस भरनी थी, इसीलिए आपकी जेब से 5,000 रुपए ले लिए। मुझसे पूछा क्यों नहीं? अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो अरे एक बार पूछ लेती ना। अगर पैसे चाहिए थे तो पूछ के लेने चाहिए थे ना नीता पैसे। नीता, अरे नीता, मैंने कहा था ना मेरा भाई चोर नहीं है। बस बस बस, प्रशांत ने कल तुमसे पैसे मांगे थे ना तुमने पूछा मुझसे पूछा अगर घर से पैसे चोरी हो जाएंगे तो मैं क्या समझूंगा? मुझसे तो कोई पूछता ही नहीं ना। मैं कौन, मैं इस घर का कौन? तुम लोग बिल्कुल सही, तुम और तुम्हारा भाई दोनों सही हो, गलती तो हम लोगों से हुई। मैंने ऐसा तो नहीं कहा मैं। I'm sorry, मैं माफ करता हूँ तुम्हारे। I'm sorry, बस। नीता, I am sorry. नीता, कह दिया ना कि I am sorry. तुम्हें मुझसे बिना पूछे मेरे पर्स से पैसे नहीं निकलने चाहिए थे, गलत है। देखा इस वजह से कितनी प्रॉब्लम्स हो गई। आप मुझे कितना भी मारे मुझे अफसोस नहीं होगा। अफसोस इस बात का है आपने मुझे अपने भाभी के सामने मारा। I'm sorry. Hey, कहाँ लगा? यहाँ लगा। भैया। I'm sorry. ऑफिस जाना है मुझको। I'm sorry. प्रशांत जी। दीदी टीवी बंद करो, जीजू को आने का वक्त हो गया है। अच्छा बस 2 मिनट। अच्छा और सुनो, ऊपर के बाथरूम का लाइट नहीं जल रहा है, वो बल्ब बदल दो। सारे घर के बदल दूंगा दीदी। हाँ।
प्लीज नीता, नीता मेरी बात सुनो नीता, नीता देखो तुम्हें को गलत समझी है नीता, नीता, नीता रुको प्लीज, नीता हाथ मत लगाओ, मेरी बात सुनो मदर, मुझसे बात मत करो, मुझे नहीं मालूम था कि तू बाथरूम में आने वाली हूँ, आई स्वयं नीता, निकल जाओ यहाँ से, मेरा यकीन करो नीता, मैं जानबूझ के थोड़ी ना बाथरूम में रुका होता, वो तो दीदी ने मुझसे कहा था कि, दीदी ने भेजा था, वो नहरिया जाके देखो, ये क्या कह रही हो तुम, दीदी क्यों ऐसा कहेगी, वो तो मैं नीता मुझे क्या मालूम था कि तुम उसी बाथरूम में अचानक आ जाओगी, ये मेरा घर है, मैं किसी भी बाथरूम में नहा सकती हूँ, तुम इतने गिरे हुए इंसान हो सकते हो, मैं ये सोच भी नहीं सकती, अगर मैं भैया से कह दूं तो वो तुम्हें जूते मारेंगे, मैंने तुम्हें नहाते हुए नहीं देखा, कसम से, देखो अगर दीदी कोई बात पता लग गई तो मैं उनके सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा, बात सुनो मुझ पर यकीन करो दीदी, दीदी मैंने कोई गलत काम नहीं किया, हे भगवान आपकी कसम दीदी, वो लोग कुछ भी समझे मुझे परवाह नहीं, लेकिन आप तो मुझे गलत मत समझो, और आप ही ने तो मुझसे कहा था कि मैं वहां जा, मैंने कहा था, लेकिन जब वो अंदर आई तो तुम बाहर नहीं आ सकते थे, तुमने नहीं देखा, कौन विश्वास करेगा तुम्हारा, कौन करेगा तुम्हारा यकीन, जब वो अंदर आई तो तुम में इतनी अक्कल नहीं कि तुम, क्या किया तुमने, मैं क्या कर सकती हूं अब, नीता नीता प्लीज नीता, नीता दरवाजा खोलो नीता, एक मिनट के लिए मेरी बात सुनो, राधा बेटो गोपाल, राधा क्या हुआ तुम्हें, तुम रो क्यों रही हो, गोपाल बेटे कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ इसलिए रो रही है, क्या बात क्या है, ए क्या बात है, नहीं तुम्हारी दीदी क्यों रो रही है, कुछ नहीं हुआ है, तुमने एक मिनट का कहा, मैं बात कर रहा हूं, तुमने कुछ कहा, मेरी बात तो सुनो बेटा, अरे कोई मुझे बताएगा हुआ क्या, भैया भैया क्या हुआ नीता, मैं बताता हूं, मिनट मैं बताता हूं बेटा, प्रशांत बेटे इस वक्त तुम्हारे जीजा जी बहुत गुस्से में हैं, उनका गुस्सा ठंडा हो जाता फिर आ जाना, जाओ दीदी, बात मत कर मुझसे, चलो बेटा फिर आ जाना, हाँ चलो, नीता को गलतफहमी हुई है जी, ये क्या क्या तुमने, ये क्या क्या तुमने, ये गोपाल हाथ छोड़िए मेरा, आप नहीं जानते इसने ये क्या क्या तुमने, इसको मत मारो, मुझे तो पहले ही मालूम था ये घटिया और नीच किस्म का इंसान है, हाथ छोड़िए मेरा, आप ये तुम्हारी तरफदारी की वजह से हुआ है, अभी देख लिया अंजाम और चढ़ाओ इसको अपने सर पर, जी जो आप मुझे गलत समझ रहे हैं जी, हाथ छोड़िए आप, तो इसको अपनी मनुष्य शक्ल ना दिखाए मुझको आज की बात, वरना मैं दीदी चले जाओ यहां से, दीदी सब ठीक हो जाएगा, मैं सब ठीक कर दूंगा,
अगर सचमुच तुम मेरे भाई हो तो यहाँ एक पल नहीं रुकोगे, चले जाओ यहाँ से। कहाँ जाऊंगा दीदी? कहीं भी। दीदी आपने तो कहा था कि मरते दम तक अपने साथ रखोगी। तो समझो मैं मर गई। ऐसा क्यों कहते हो दीदी? तुम्हारी बेइज्जती मैं नहीं देख सकती। तो जीजू ने मुझे मारा, मैं सह लूंगा। लेकिन मैं सहन नहीं कर सकती, मुझसे नहीं देखा जाता। मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। अब तुम बड़े हो गए हो, तुम कहीं भी जाकर कुछ भी काम करके जिंदा रह सकते हो। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, और दोबारा इस घर में कदम नहीं रखना। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। अब रोइए मत दीदी, मैं चला जाऊंगा। अब रोइए मत। जब मेरी शादी होगी ना तो मैं अपने भाई को भी साथ ले जाऊंगी। और आपके साथ रहेगा कौन? हम दोनों अपनी दीदी के साथ रहेंगे। बड़ा आया, दीदी के साथ रहूंगा। अरे तेरा पति जब तुम दोनों को डंडे मारेगा ना तब पता चलेगा। अगर मेरा पति हमको डंडे मारेगा ना तो मैं भी उसे डंडे मारूंगा। हाँ। लेकिन अपने भाई को नहीं छोड़ूंगी। कौन? राधा, क्या हो तुम्हें? सूरज। अरे तुम रो क्यों रही हो? आज मैंने प्रशांत को घर से निकाल दिया। लेकिन क्यों? आज उन्होंने उसे बहुत मारा। कोई नहीं चाहता कि वो यहाँ रहे, कोई उसे पसंद नहीं करता। मुझसे देखा नहीं गया तो मैंने उसे घर से जाने के लिए कह दिया। देखो राधा, हर घर में छोटे मोटे झगड़े चलते रहते हैं, तुम फिक्र मत करो। अब पता नहीं वो कहाँ होगा। मैं जानता हूँ वो कहाँ होगा, और उसे मैं यहाँ पे लेके आऊंगा, अपने पास ही रखूंगा और उसका ख्याल रखूंगा, समझी? मुझे सिर्फ तुम पर भरोसा है, तुम ही तो मेरे दुख सुख को समझ सकते हो। अब तुम सो जाओ ठीक है, और रोना बंद करो। दीदी ने मुझे घर से निकाल दिया। दीदी ने मुझे घर से निकाल दिया? अरे कब से एक ही बात की रट लगाया जा रहा है यार। वो क्या तुझे घर से निकालने की बात खुश है क्या? थम्स अप भी नहीं। यासमुख, जरामी जी के लिए थम्स अप तो ले गया यार। उसने तुझे घर से इसलिए निकाला ताकि तुझे किसी की दो बातें नहीं सुनना पड़े, ताकि तू अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, समझा? ऐसे नहीं, कुछ काम वाम करके, कुछ मेहनत शहनत करके। नहीं सूरज, मैं दीदी के बगैर एक पल नहीं रह सकता। जी चाहता है कि मैं मर जाऊं। दीदी के बिना खाना तो खा सकते हो, बैठ जाओ खाना खा लो, दो दिन से भूखे हो। यही है राइट चॉइस बेबी। आहा, इनको क्या हुआ? अमित जी एक इमोशनल सीन कर रहे हैं और खाना नहीं खा रहे। डोंट वरी अमिताभ जी, आप फटाफट खाना खाइए, मैं आपको ऐसी चीज दिखाने जा रहा हूँ और देखते ही आप खाना पीना भूल जाओगे। ये देखो। ये क्या है? चाबी। चाबी बसंती। बसंती
खुदार खुदार नास्तिक नास्तिक इन सारी फिल्मों में तो अमित जी ने टैक्सी चलाई थी। अरे हाँ, उसी टैक्सी की तो ये चाबी है। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? नहीं नहीं मिल सकते, वो बहुत बिजी है समझे। अगर उनको मिलना है तो आपको टाटा बाटा बिरला इरला एबीसीएल वही एबीसीएल ईएफजी पढ़ना पड़ेगा, तो अमित जी खुद आपको मिलने आएंगे, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बोलो, करोगे? जरूर करूंगा। क्या ये चाबी सचमुच मेरे अमित जी ने दी है? क्या समझे आप, इन्होंने मुझे दी और अमित जी के नाम से मैंने आपको दी? हाँ। हम क्या झूठे हैं? नहीं। आप फटाफट खाना खाइए, फटाफट खाना खाइए और सीधा बेडरूम में जाइए और आईने के सामने खड़े रहकर बेवड़े की एक्टिंग कीजिए। शहंशाह बनिए, मर्द बनिए। आप लावारिस नहीं है ना, तो लावारिस मत बनिए। हम है ना, आप खाना खाइए और दीदी को याद नहीं करना। दीदी की मुझे बहुत याद आ रही है। सूरज, प्रशांत कैसा है? उसकी अच्छी तरह से देखभाल करना। बच्चे जैसा है वो। शुरू हो गए। बहुत दिन हो गए, उसकी आवाज भी नहीं। अपना ये घर है जहाँ पर शाम को भी सूरज डूबता नहीं। और अब क्या कर रहा है वो? कहाँ है वो? अरे वो सब गाने दो। तुम्हारे नए गाने का क्या हुआ? अरे मैंने क्या घटिया ट्यून बनाई है, अगर तुम सुनोगी ना तो तुम पागल हो जाओगी। लो, ये भी कोई बात है? तुम्हारी ट्यून पहले मैं नहीं सुनूंगी तो और कौन सुनेगा? मैं कल आती हूँ। आज ही चले जाओ ना। कल और परसों दो दिन में यहाँ पे नहीं हूँ, तो आज ही आ जाओ ना। वैसे भी मैं आज यहाँ पे बोर हो रहा हूँ। हाँ ये भी ठीक है, मैं भी यहाँ बोर हो रही हूँ। बोर हो गई अपने घर में, कोई गाना सुनाने वाला भी नहीं है। आई एम सॉरी, मुझे गाना नहीं आता, क्या करूँ? ओके, ड्राइवर भेजो क्या? नहीं नहीं, ड्राइवर है मेरे पास, मैं अभी आती हूँ। जाओ, फिर वापस नहीं आना। क्यों करूँ कुछ कुछ होता है। किसने बनाया है ये फोन? कहीं मिल जाए तो उसे जान से मार दो। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। ओ ठंडे नहाना चाहिए। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। क्या हो रहा है? ऐसी नींद नहीं आ रही थी तो सोचा गाना गा लूं। आप और गाना? मैं नहीं गा सकता। क्यों इतनी कोशिश कर रहे हैं? आप कभी सूरज जैसा अच्छा नहीं गा सकते। उसकी आवाज में जो जादू है वो दिल में उतरता है। चलिए ना, सोते हैं। सूरज अच्छा है हा? बहुत अच्छा है, उसका गाना मुझे बहुत पसंद है। अब चलिए भी, नहीं तो पड़ोसी आकर मुझे मारेंगे। चलो ना, उठो ना। एक मिनट, एक मिनट। अब ये क्या है? नींद की गोली। आज रात मुझे नींद नहीं आ रही। मुझे भी तीन चार दिन से नींद नहीं आई। एक दीजिए ना। तुम्हें तो एक दिन सारी गोलियां दे दूंगा। दीजिए ना। तुम्हें जरूरत नहीं, चलो। क्या नींद की गोली खा रहे हो, आधी रात को गाना गा रहे हो? शी, ये लो। ये पकड़ो। गुड नाइट। ए, सो गए क्या? नहीं, खेल रहा हूँ। सो गए क्या? ए,
क्या है? एक गोली खाने से क्या होता है? एक गोली खा के एक रात की नींद आती है, ओके? ओ, ए, क्या है? दो गोली? दो गोलियां खा के दो रातों की नींद, और क्या? ए, what, what, क्या है? तीन गोली खाने से? एक गोली खा के एक रात की नींद, दो गोली खा के दो रातों की नींद, और अगर ये पूरी बोतल खाओगी तो पूरी जिंदगी की नींद हमेशा के लिए। हैप्पी? अब मैं सो जाऊं? गुड नाइट। क्या है? फुटबॉल? नहीं, मुझे फुटबॉल नहीं खेलना है, मेरे पाँव में दर्द है। वॉलीबॉल? मैंने ये खा लिया है ना, मुझको बहुत नींद आ रही है। गुड नाइट। सब तुम्हारी वजह से, गोली का डब्बा। हे, अपनी साइड पे सोना। अरे यही मेरी साइड है। हेलो। हेलो काका, प्रशांत बोल रहा हूँ। कैसे हो बेटे? काका, दीदी की बहुत याद आ रही थी, उनसे बात कराओ ना प्लीज। दीदी तो बेटा ऊपर नहा रही हैं। ये क्या है काका, मैं जब फोन करता हूँ आप कहता हूँ कि दीदी ये कर रही है, वो कर रही है, यहाँ गई है। काका, आज दीदी से बात करने का बड़ा मन कर रहा है, उन्हें फोन पे बुलाओ, मैं होल्ड करता हूँ। Engaged. Mona. Yes, sir. तुम मोना हो? मैं तो दिनेश हूँ। हाँ, मालूम है तुम दिनेश हो, लेकिन तुम मोना नहीं हो ना? मोना तो आज छुट्टी। हाँ, मालूम है मुझको, मैंने पूछा। नहीं। जाओ। ओके। हाँ, 1 मिनट, कम है, कम बैक। यस सर। मुझको वो क्या नाम है उसका, सूरज का फोन नंबर ला के दो। कौन सूरज? अरे वो क्या, वो डांस वांस करता है स्टेज के ऊपर। अच्छा, वो माइकल जैक्सन की तरह डांस करके गाता है वो? सर मुझे भी मिलवा दीजिए कि मैं उसका बहुत बड़ा फैन। जाओ लेकर आओ। ठीक है सर। नाउ। यस सर। माइकल जैक्सन की औलाद। अब सर, सूरज का नंबर है 361-9860। इट्स ओके, गो गो प्लीज। सुमन, राधा को तो गाना अच्छा लगा, लेकिन गोपाल को तो गाना बहुत ही अच्छा लगा, उससे बहुत तारीफ की मेरी। एंगेज्ड। सूरज एंगेज्ड, राधा एंगेज्ड, एंगेज्ड, एंगेज्ड। तुमने तो मुझको बोला था ना कि जब मैं ऑफिस जाता हूं तुम सूरज को फोन करती, तो करो टॉक। क्या बात कर रही हो? हेलो सूरज, मैं राधा बोल रही हूं। हाय राधा, हाउ आर यू? आई एम फाइन। मैंने आज ऑमलेट बनाया है। किसका? अंडे का। इडियट, अंडे का ही तो ऑमलेट बनता है। पराए लोगों की बीवी से बात करता है। तुम्हें भी शर्म नहीं आती लोगों से ऐसे बात करते हुए? तुमने तो मुझे बोला था ना, टॉक, बात करो, दोनों बात करो प्लीज। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। गो ऑन, गो ऑन, टॉक, टॉक। क्या बात है? आप लोगों ने मुझे पहले नहीं देखा? मैं माइकल जैक्सन हूं, डांस कर रहा हूं यहां पे। प्लीज गो, गो टू योर वर्क। चलो चलो, गो ऑन प्लीज। बहुत गुस्से में है सर। या हेलो, हेलो सर, मैं मोना। हाँ मोना बोलो। सर आप कैसे भी करके मेरे घर आ जाइए। तुम्हारे घर आ जाऊँ? क्यों आ जाऊँ? अभी ऑफिस का टाइम है, मैं नहीं आ सकता। सर आई हैव अ मेजर प्रॉब्लम। अरे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मुझे भी बहुत प्रॉब्लम है। प्लीज सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम्स योरसेल्फ। सर प्रॉब्लम है, मुझसे ज्यादा प्रॉब्लम है। गुड इवनिंग सर, क्या लेंगे आप? बियर। यस सर। जानती हो, हर इंसान को अपनी चीज के बजाय दूसरों की ही चीज ज्यादा पसंद आती है। क्या मतलब है, किसकी बात कर रहे हो?
हर किसी की, हर चीज की। दूसरों का घर, दूसरों का बंगला, दूसरों की गाड़ी और सबसे ज्यादा दूसरों की बीवी। क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? कहीं तुम मेरे बारे में तो नहीं कह रहे हो? अरे नहीं यार, तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसा तो हर किसी के साथ होता है। अब बहुत हो गया तुम्हारा ये भाषण। एक और भी चीज है जो दुनिया में हर इंसान करता है। चलो ना रूम में, वरना देर हो जाएगी। चलो ना। क्यों, तुम्हारा हस्बैंड आ जाएगा तो आने दो ना उसे। प्रॉब्लम क्या है? वो भी जान लेगा। अरे प्रॉब्लम तो तब खड़ी होती जब कोई लड़की सच बोलती, क्योंकि कोई भी मर्द किसी लड़की का सच बर्दाश्त नहीं कर सकता। सच तो यह है कि मुझे अपने पति से दौलत तो मिली मगर खुशी नहीं, और खुशी मुझे सिर्फ तुम्हारी बाहों में मिली। शर्म नहीं आती तुमको? यहाँ पर बैठी क्या बकवास कर रही हो तुम? कौन है आप? मैं कौन हूँ? आई एम अ हस्बैंड, पति हूँ मैं। वो पति जो सारा दिन काम करता रहता है उसको मालूम नहीं उसकी बीवी कहाँ पर है? इसकी तरह नहीं जो दूसरों की बीवियों के साथ कुलछरे उड़ाते। ए मिस्टर, तुम्हारी बीवी के साथ थोड़ी बैठा हूँ मैं। मेरी बीवी की बात करता है तो ये तेरी बीवी है क्या? तेरी बीवी है क्या? अरे किसी की भी बीवी किसी के भी साथ बैठे, तुझे क्या प्रॉब्लम है यार? बीवी के साथ घूमना तेरे को अच्छा लगता है? तेरे को अच्छा लगता है? हाथ छोड़ो यार, हाथ छोड़ो। इसको दूसरों की बीवी के साथ घूमना अच्छा लगता है? ओके इट्स ओके। हां तेरी बीवी के साथ घूमेगा तुझको अच्छा लगेगा? पागल है। सर आप यहाँ क्या बात है? कुछ नहीं, मैं बाहर जा रहा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ ब्यूटी पार्लर में आई थी। अच्छा, जैसे ही बाहर निकली तो मैंने आपको देखा। ओके ओके। आप कुछ परेशान लग रहे हैं। हुँ? कुछ परेशान लग रहे हैं। नहीं मैं तो परेशान नहीं हूँ, मैं यूं ही जा रहा था। तो आइए ना चलते हैं। क्यों? मैंने आपसे कहा था ना मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। फोन पे कहा था ना। बोलो। आइए ना सर चलते हैं। आइए ना प्लीज आइए। लाइए सर, मुझे दीजिए सर, दीजिए ना। चॉकलेट मोना। या ओके ओके। आइए ना सर प्लीज। Welcome to my sweet home, sir. बोलो क्या प्रॉब्लम है? सर आप बैठिए तो। नहीं मैं बैठने नहीं आया हूँ, बताओ क्या प्रॉब्लम है? सर आप मेरे घर पहली बार आए हैं, मैं बताती हूँ। आइए ना सर, प्लीज हैव अ सीट। कम। बैठिए सर। थैंक्स। मैं कब से तुमसे पूछ रहा हूँ, तुमने बताया नहीं। तुम्हारे पति कहाँ है? वो दिल्ली गए हैं सर। सर प्लीज जस्ट 2 मिनट्स। ओके बताओ प्रॉब्लम क्या है। तुम्हें बात करनी है या रोना है या मैं जाऊं? सर ये देखिए, ये चले के निशान, ये मेरे पति की देन है मुझे। ये सब तो मुझे क्यों बता रही हो? सर आप समझते क्यों नहीं? मैं सब समझता हूं लेकिन मुझे ये पसंद नहीं। मोना तुम एक शादीशुदा औरत हो और पति पत्नी में झगड़े होते ही हैं। इसका ये मतलब नहीं कि तुम अपनी जाती बातें किसी गैर मर्द को बताओ। लेकिन मैं किसी गैर मर्द से तो नहीं कह रही, मैं तो अपने चाहने वाले से। नहीं, नो। शादी के बाद किसी गैर मर्द से चाहत की बात करना ठीक नहीं है। शायद तुम नहीं जानती बहुत दुख होता है। मैं चाहता हूं। क्यों? शादी होने से क्या औरत के जज्बात कम हो जाते हैं? उसकी इच्छाएं, उसकी तमन्नाएं सब मिट जाती हैं? औरत अगर अपने पति से प्यार नहीं करती, उसे पसंद नहीं करती, तो क्या जिसे वो पसंद करती है उसे बात तक नहीं कर सकती? उसकी चाहत खत्म हो जाती है? मैं आपको बहुत चाहती हूँ, बहुत पसंद करती हूँ। नहीं तुम नहीं कर सकती। तुम एक पत्नी हो और तुम्हारा पति जो है, जैसा है, अच्छा है, बुरा है, तुम्हारा पति है। अगर तुम उसको अपनी तरह से हैंडल कर सको
तो ठीक है, और अगर नहीं कर सकती तो जो तुम्हारा पति चाहेगा वैसा ही होगा। यही शादी का दस्तूर है, और अगर ऐसा तुम नहीं करोगी तो समाज तुमको गाली देगा, तुमको अनाप शनाप बोलेगा, जाती हो तुमको क्या कहेगा? जरूरत नहीं है ऐसी सोसाइटी की मुझे, जो मर्दों ने अपनी सहूलियत के लिए बनाई है। मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकती। मैं आपसे पूछती हूँ, ऐसे कितने मर्द हैं जो सही रास्ते पर चलते हैं? औरतों को तो आपने वेश्या का नाम दे दिया, लेकिन ऐसे मर्दों को क्या कहोगे? बंद करो बकवास। एक मर्द और एक औरत के बीच में शादी का बंधन सदियों से चला आ रहा है। तुम उसे गलत कहकर अपने आप को सही साबित नहीं कर सकती। और जो कुछ भी है, मर्द औरत का भगवान होता है, बल्कि उससे भी ऊंचा होता है। That's it. सर, अगर औरत किसी से प्यार करती है वो चाहे कितना ही घटिया हो, लेकिन वही उसके लिए सब कुछ है। और किसी से नफरत करती है वो चाहे कितना ही मान हो, लेकिन उसके लिए कुछ भी नहीं। Nonsense. आप मुझे पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। आप खूबसूरत नहीं है, आपको कपड़े पहनने का ढंग नहीं आता, और सिगरेट पीने की आदत तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आप तो सुर में गा भी नहीं सकते। मैं सूरज को पसंद करती हूँ, उसकी हर चीज पसंद है मुझे। मैं जी तो तुम्हारे साथ रही हूँ, मगर मेरे दिल की हर धड़कन में वो है। अरे अंधा है क्या, पागल हो गया तू? दिन में सपने देख रहा है क्या? I'm sorry भैया। क्या सॉरी? अगर मुझे कुछ हो जाता तो? I'm sorry। मेरी बीवी को कौन जवाब देता? मेरी अभी अभी शादी हुई है। अभी अभी शादी हुई? फिर तो I'm really sorry। क्या really sorry? बड़ा आदमी तो किसी को भी मार देगा क्या? गाड़ी ठोक दिया और सॉरी बोल दिया, हो गया। अरे रुक रुक, अरे रुक तो, अरे जाता कहाँ है? मेरी गाड़ी भी तोड़ दिया। क्या? हाँ हाँ हाँ। इन छोटे मोटे अवार्ड से मुझे कोई खुशी नहीं है। मेरा एक सपना है कि तुम्हें सिंगर ऑफ द मिलेनियम अवार्ड मिले, और उसे देने मैं खुद आऊंगी स्टेज पे। अरे तुमने सोच लिया, इसका मतलब मुझे अवार्ड मिल गया। लेकिन जब अवार्ड मिलेगा तो तुम 100% लेने आओगी उसे? जरूर 100% जरूर। अरे गोपाल सर, कैसे गोपाल सर? आइए आइए। सुना है आजकल बहुत बिजी हो गए? आज रिकॉर्डिंग नहीं है? हाँ थी ना, जब मैं सुबह को रिकॉर्डिंग करता हूँ तो शाम को नहीं करता हूँ, शाम को करता हूँ तो सुबह को नहीं करता। राधा ने मुझसे कहा था ज्यादा रिकॉर्डिंग करो तो आवाज खराब हो जाएगी। सुबह गाओगे तो दोपहर को यहाँ पर आओगे, दोपहर को गाओगे तो सुबह यहाँ पर आओगे, लेकिन आओगे जरूर। आपको सोच रहे हो? नहीं नहीं। आपको सोच रहे हो? नहीं कुछ। हाँ आपको सोच रहे हो क्या, बताइए ना। कुछ नहीं, ऐसे जरा सर में दर्द है। मैं कॉफी बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं, आपका सर दर्द मैं खुद ले लूंगा, तुम लोग बैठो बातें। मैं कॉफी लाती हूँ ना। बैठो सर, एक एस्पिरिन लेके सो जाइए। सर दर्द तो तुम ही हो। हाँ। इनको एस्पिरिन से कोई एलर्जी है क्या? पता नहीं मुझे। तो सर एक सैराडोन लेके सो जाइए, बहुत अच्छी नींद आएगी। बस तुम चले जाओ, सब ठीक हो जाएगा। तुम एक काम करो, अपने हस्बैंड की सेवा करो, कुछ चाय कॉफी कुछ पिलाओ, मैं चलता हूँ। तुम बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए हॉर्लिक्स बनाती हूँ। नहीं फिर कभी। क्या तुम्हें याद है कि मुझे हॉर्लिक्स पसंद है? उसमें क्या हुआ? तुम्हें नहीं भूली? कैसे भूल सकती हूँ मैं? तो हॉर्लिक्स कैसे भूलेगी? अच्छा सूरज, तुम कह रहे थे ना कुछ जरूरी बात बतानी है मुझे। वो फिर कभी बताऊंगा, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। पर तुम अपने हस्बैंड का ख्याल रखो, चलो मैं चलता हूँ, बाय बाय। सूरज, अरे कल रिकॉर्डिंग कितने बजे है? वो तो फोन करेगा ही ना, पूछने की क्या जरूरत है? सूरज सूरज सूरज, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। क्या हुआ, आप अब तक सोए नहीं? कहाँ जा रहे हो? सुनिए सुनिए, क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं है?
क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है? दिल चल रहा है। क्यों? क्या हुआ? क्या हुआ? एक पति क्या चाहेगा, एक मर्द क्या चाहेगा? यही कि उसकी पत्नी इस दुनिया में सबसे ज्यादा उसी से प्यार करे। मां से ज्यादा, बाप से ज्यादा, उसके भाई से ज्यादा, भगवान से भी ज्यादा। अगर मैं ऐसा सोचता हूं तो मैं गलत सोचता हूं क्या? ऐसा मत कहो। चुप, चुप, मुझे बोलने दो। राधा, तुम बदल गई हो। तुम अब वैसी नहीं रही, सब भूल गई हो। लेकिन मुझे याद है, मुझे वो बचपन याद है, वो राजमहल, महाराजा, तुम रानी, नाना जी के समझ के क्या क्या सपने देखे थे, तुमने सब बिगाड़ दिए। मैंने क्या क्या सोचा, तुम बदल गई हो राधा। ऐसा मत कहिए, नहीं। मुझे मेरे मन की बात कहने दो, कहने दो। राधा, मैंने तुम्हें सिर्फ एक पत्नी के रूप में नहीं देखा, मैंने तुम्हें एक मां के रूप में देखा, एक दोस्त के रूप में देखा, एक साथी के रूप में देखा, हर रूप में तुम्हें देखा। लेकिन तुमने मुझे कभी समझने की कोशिश नहीं की। एक्चुअली तुमने तो मुझे कह दिया था, सुहागरात पर जब मैंने तुमसे पूछा तुम्हें सबसे प्यारा कौन लगता है, तुमने कहा मेरी मां, मेरा भाई। और शुक्र है मैंने आगे नहीं पूछा, वरना शायद तुम कह देती सूरज। रुकिए, ये क्या कह रहे हैं आप? ये क्या? चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत। कभी तुमने ये जानने की कोशिश की है कि मुझे क्या अच्छा लगता है? मुझे चाय पसंद है, मुझे कॉफी पसंद है, लेकिन तुम्हें यह मालूम है कि उसे हॉर्लिक्स अच्छा लगता है। तुम उसे फोन पर कहती हो कि जब मैं घर से बाहर जाऊं तब वो तुम्हें फोन करे। तुम क्या समझती हो कि मुझे नहीं मालूम मैं बेवकूफ हूं? बेवकूफ हूं मैं? दफ्तर से थका हारा घर वापस लौटता हूं शाम को, प्यार की दो बातें तो दूर, एक गिलास पानी भी मुझे तुमसे मांग कर पीना पड़ता है। सिर्फ बिस्तर पर साथ में सोना ही एक बीवी का फर्ज नहीं है, मन से मन मिलना चाहिए। मन से मन। मेरे दिल में तो सिर्फ तुम ही तुम हो, लेकिन तुम्हारे दिल में मैं हूं या नहीं मैं नहीं जानता। भगवान ने हर किसी को अलग अलग किस्म का टैलेंट दिया है, कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छा, लेकिन तुम सूरज, सूरज, सूरज। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? मैं शक कर रहा हूं, मुझे इस बात का शक है कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। तुम आधी रात को किसी गैर मर्द को फोन करो और कहो कि मेरा दुख सिर्फ तुम ही समझ सकते हो, तो मैं क्या समझूं? सिर्फ सिर्फ घर से बाहर जाने वाली औरत बचल नहीं होती राधा, घर की बातें चारों तरफ बाहर करने वाली औरत भी बचलन होती है। तो मुझे मुझे छोड़कर चली जाओ। चली जाओ? मुझे छोड़कर चली जाओ। आपको छोड़ के मैं कहां जाऊंगी? कहीं पर भी जाओ तुम, अपने भाई जहां जाना, थोड़े दिन के लिए तुम प्लीज मुझे छोड़कर चले जाओ। ऐसा मत कहो, मैं आपके बगैर एक पल नहीं रह सकती। जब मुझे लगेगा कि मैं भी तुम्हारे बिना एक पल नहीं जी सकता, मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। अभी जाओ, जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। प्लीज जाओ, जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। प्लीज को जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। भैया,
हुआ भैया? कुछ नहीं, चलो चलो चलो। राधा बेटी, कैसी हो? अच्छी हो? प्रशांत, प्रशांत देखो कौन आई है, तुम्हारी दीदी आई है। अरे राधा, कैसी हो बेटी? गोपाल नहीं आए? वो उन्हें किसी जरूरी काम से जाना पड़ा, इसलिए। प्रशांत कहाँ है? दीदी, दीदी कैसे हो? दीदी कब आई? अभी आई, तुम कैसे हो? मुझे तो लगा मुझे भूल गई है। अरे पगले, मुझे तो दिन रात तेरी चिंता लगी रहती थी वहां। जानते हो दीदी, माँ के गुजर जाने के बाद मुझे कभी नहीं लगा कि माँ अकेला हूं, लेकिन आपसे बिछड़ जाने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं अनाथ हो गया। नहीं, ऐसे नहीं बोलते जी, ऐसे नहीं बोलते। अब मैं आ गई हूं ना दीदी, आपके बार आप दो चार दिन रहकर जाएंगे। अब तो बहुत सारे दिन रहूंगी। राधा, राधा, ओहो, आते ही सक्कू भाई बन गई हो। ये अपने अमित जी कुछ करते होते हैं नहीं क्या? और देखो, मैं भी इतना बड़ा इडियट हूं कि तुम यहां पे हो और मैं वहां पे फोन लगाया जा रहा हूं। फोन किया था? हाँ। किसने उठाया? नीता। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा बिना मूछे वाला मुच्छड़ कैसा है? अच्छे हैं। अच्छा ही होगा ना, उसे तुम जैसी बीवी जो मिली है, हाउ लकी। राधा, मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं शादी कर लूँ, एक 50-60 बच्चे 2-3 महीने में पैदा कर लूँ। वो सुमन है ना, सुमन जिससे मैं रोज टेलीफोन बात करता हूँ, उसके साथ। तो कर लो ना। कमाल है, जब तक तुम उसे मिलोगी नहीं, अप्रूव नहीं करोगी, मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? आज तक मैंने तुम्हारे मर्जी के बिना कुछ किया है? जब शादी तुम्हें करनी है तो फैसला भी तुम्हें ही करना होगा ना। ओ हो 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 हो, कुछ टेंशन जरूर है। आज तुम बहुत उखड़ी उखड़ी हो। नहीं कुछ नहीं। अरे कितनी सड़ी हुई हो तुम आज। सर में थोड़ा दर्द है बस। अरे सर में दर्द तो गोली खाओ, जाके सो जाओ। नहीं मैं ठीक हूँ। कोई ठीक भी नहीं, चलो उठो। प्रशांत को बोलो, प्रशांत को बोलो आके सर दबाए, नहीं तो मैं उसका गला दबा दूंगा। ओफो, चलो। अरे बहुत काम है। काम मैं कर लूंगा। राधा, गोपाल किधर है? उसने तुम्हें अकेला भेज दिया? हाँ, मैंने उसे अकेला वहां पर भेज दिया। सो व्हाट? सर आपने यही तो गलत किया ना। गलत किया? क्या गलत किया? दोनों के फोन से जब आप इतने परेशान हो जाते थे और आपने भाभी जी को उसी के पास भेज दिया। हाँ, मुझे मालूम है मैंने क्या किया। शादी इंसान खुशी के लिए करता है ना, जो बंधन जिंदगी के लिए बोझ बन जाए, ऐसे बंधन को तोड़ देना ही बेहतर है। क्या मतलब तुम्हारा? सर देखिए, मैं आपका वेल विशर हूँ, आपका शुभचिंतक हूँ, आपका दोस्त हूँ। मैं एक ऐसे वकील को जानता हूँ जो सिर्फ तलाक के मुकदमे में लड़ता है, और मेरा तलाक भी उसी ने करवाया। अच्छा, क्या तुम्हारी बीवी के लिए? तुम मेरे दोस्त हो जी, शुभ चिंतक हो जी, तुम्हें हम दोनों को साथ मिलाने के रास्ते बताने चाहिए, ना कि तलाक करवाने के, समझे? जाओ यहां से। तो सुनो जी, ये सलाह किसी और को मत देना, समझे? गो फ्रॉम हियर। कम हियर। भैया वो भाभी, मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहती हो। कम हियर। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, और मैं बिल्कुल ठीक हूं। देखो तुम जाओ अपने एग्जाम की तैयारी करो। दीदी, दीदी यहाँ हूँ। दीदी आपको मालूम है सूरज ने क्या किया? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि पैसा आने के बाद वो इतना बदल जाएगा। क्या? आपको और मुझे भूल जाएगा। दीदी क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या किया सूरज ने? ये पूछो क्या नहीं किया। हमसे बिना पूछे एक अनजान लड़की से शादी तय कर ली, ना हमें बताया ना दिखाया,
और तो और आज उसकी शादी है। शादी? हाँ शादी, और उन्होंने भेजा है सेक्रेटरी हसमुख को हमें शादी का न्योता देने, लेकिन हम शादी पे नहीं आने वाले, कह देना उसे। दीदी प्रशांत का गुस्सा सही है, लेकिन मैं क्या करूँ, सब कुछ अचानक हो गया, किसी को कहने को बताने को टाइम ही नहीं मिला। मैं जरूर आऊंगी, सूरज की शादी से बढ़कर मेरे लिए और क्या खुशखबरी हो सकती है। उन्हें नहीं बुलाया? मैं यही से सीधा वही जा रहा हूँ उन्हें लाने के लिए। हम लोग तैयार होकर आते हैं। अरे वाह, शादी क्या कर ली, दोस्तों को भूल गई? ये तो हमारा प्यार है कि हमें यहाँ खींच लाया, वरना कोई तरीका है? पहले आपने शादी तय कर ली फिर हमें बताया? दीदी ये बहुत बड़े स्टार हो गए। कैसी बातें करते हो, ये खबर सुनकर मुझे तो इतनी खुशी हुई। देखो इसने शादी की नहीं है, करने वाला है। देखो कितनी इंटेलिजेंस हमारी बहन, कुछ सीखो इनसे। अच्छा ये सब छोड़ो, पहले बताओ सुमन कहाँ है? सुमन को देखिए आप लोग रियली? उसके पहले आप ये देखिए। रिएक्ट करो। ये सब क्या है, क्यों किया ये सब? तुम अपना जन्मदिन भूल सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारा बर्थडे नहीं भूल सकता, बिकॉज योर बर्थडे इज मोर इंपॉर्टेंट देन माय वेडिंग। आ जाओ जल्दी से एक केक काट। पहले उन्हें आने दो, वो आ रहे हैं ना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे स्वीट राधा, हैप्पी बर्थडे। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, पर तुम जहां पर भी हो खुश रहो। Yes. Excuse me, sir. डेट वाले कहिए। मैं आपको इनवाइट करने आया हूँ डेट निकाल के। इनवाइट? हाँ। क्यों? वो जन्मदिन है ना सूरज जी। अजीब संजोग की बात है ना, सूरज का भी आज ही जन्मदिन है। नहीं राधा जी का जन्मदिन है, सूरज जी मना रहे हैं। जन्मदिन मेरी बीवी का है और सूरज बना रहा है। वेरी गुड। मैं आपको लेने आया हूं। क्यों, मैं क्या करूंगा वहां पर? वहां पर आप हैं, सूरज जी हैं, राधा जी होंगी, केक होगा, मैं क्या करूंगा? मैं टोपी पहन के जोकर का काम करूंगा, जोकर लगता हूं मैं आपको। आप नहीं आएंगे तो राधा जी का जन्मदिन कैसे मनाएंगे? बन जाएगा, सब मनाया जाएगा। आप लोग जाइए, आप पार्टी कीजिए, जाइए। वहाँ सब आपका इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा आपसे, आप जाइए, मैं नहीं आऊंगा। लेकिन सर मैं प्रॉमिस करके। आपने सुना? वॉचमैन, मैं खुद जाता हूँ सर। जाइए आप यहाँ से। हैप्पी बर्थडे। अरे कब से ठहरा के रखा है, कब से इन लोग वायलिन बजा रहे हैं, कब आएगा? हाउ इनकंसिडरेट। तुम चुप करो, वो आएंगे, जरूर आएंगे। दीदी एक छोटा सा पीस तो काटो ना, तुम कुछ पता नहीं लगेगा। हाँ। तुम भी, वो आ रहे हैं, मैंने कहा ना वो नहीं आ रहे। Something wrong with him. Postman. चिट्ठी है, लाओ। चिट्ठी नहीं है, राधा के नाम की रजिस्ट्री है। राधा, राधा बेटी। ये है क्या? पता नहीं मैडम। पेन।
सूरज जी पागल हो गया, एक चल रहा है यार। गोपाल ने राधा जी को डिवोर्स की नोटिस भेजी है। क्या? हाँ, और तो और राधा जी अपनी मर्जी से नहीं आई, गोपाल ने उन्हें हमेशा के लिए अपने घर से निकाल दिया है। इतना सब कुछ हो गया, मुझे खबर तक नहीं है। तुमने ऐसा क्या कर दिया राधा जो तलाक तक बात पहुंचाई है? बोलो राधा, अरे तुम बोलती क्यों नहीं हो? बार बार पूछ के थक गया हूँ, कोई जवाब नहीं देती, बस यूं ही रोती रहती। अरे मुझे तो उसी दिन शक हो गया था जब अकेली घर से चली आई थी। आखिर प्रॉब्लम क्या है? अरे जब तक तुम मुझे प्रॉब्लम नहीं बताओगी मैं उसके पास जाके क्या बात करूंगा? ठीक है, मैं खुद जाके उसे पूछ लेता हूँ। नहीं सूरज नहीं, तुम वहां नहीं जाओगे। क्या बच्चों जैसी बात कर रही हो? अगर मैं नहीं जाऊंगा उसके पास तो कौन जाके पूछेगा उसे? मैं कुछ नहीं जानती, तुम वहां नहीं जाओगे बस। आप कुछ बताएंगे नहीं, सूरज वहां जाएगा नहीं तो हमें पता कैसे लगा हुआ क्या? एक बात बता दूं दीदी, अगर उसने तुम्हारी जिंदगी के साथ खेलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुप रहो प्रशांत, मैं सच में नहीं जानती उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने तलाक का नोटिस क्यों भेजा। अगर सूरज वहां चला गया और उसके मुंह से कुछ ऐसी वैसी बात निकल गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्या तुम चाहते हो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए? और आप चाहते हैं कि मैं आपको ऐसे रोते हुए देखते रहे? अरे जिंदगी बर्बाद करने की कौन बात कर रहा है? मैं कुछ नहीं जानती, तुम वहां नहीं जाओगे बस। अरे क्यों नहीं जाएंगे? अरे बताओ तो सही, क्यों नहीं जाएं? क्यों नहीं जाएं? ए, कोड़े, क्या देख रहा है तू? मैं ये अजीब लग रहा हूं, फनी? मालूम है तेरे को मैंने शराब क्यों पी है? नहीं मालूम ना, तो फिर क्यों देख रहा है तू? क्यों? मैं बताता हूं तेरे को, वाइफ प्रॉब्लम। अरे बीवी ठीक नहीं है मेरी, बीवी ठीक नहीं है मेरी। मालूम है जब किसी की बीवी अच्छी नहीं होती ना तो वो बिल्कुल बिल्कुल खत्म, ऐसा फिनिश है, ऐसा बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल। तेरी शादी हो गई? नहीं हुई? वेरी गुड, वेरी गुड। नो शादी, आई एम अ बैचलर। क्या वो राधा है ना, बहुत अड़ियल दिमाग की है, एकदम गर्म दिमाग है उसका, इडियट। ओके ओके, मैं घर वापस आया थोड़ा गुस्से में, थोड़ा गुस्से में था। उसको तो डांट दिया मैंने उसको, तो उसने क्या किया, उसने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और घर छोड़कर चले गए। नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैं गुस्से में, वो गुस्से में, दोनों फिटोस, नो प्रॉब्लम। लेकिन उसको अगले दिन वापस आना चाहिए था ना, मेरे को सॉरी कहने के लिए वापस तो आना चाहिए था ना, ना मेरे को सॉरी कहने का चांस देना चाहिए था, नहीं? लेकिन नो, नहीं। वो अपने अपने भाई के घर में जाके आराम से ऐसा बस गए, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक फोन तो करना चाहिए ना अपने पति को, एक फोन तो करना चाहिए ना उसको। हम तो सेम घर में नंबर मालूम है उसको, फिर लेकिन वो सूरज को, वो एक मिनट, वो मेरी बीवी सूरज को दिन में चार चार, कभी कभी पांच बार फोन करती है, किसी को बताना नहीं प्लीज, लेकिन अपने पति को एक फोन नहीं करती है। अपने पति को एक फोन का क्या यार, चिट्ठी लिखती है मेरे को, चिट्ठी लिखती है, खत। मैं दिल्ली में हूं, या हम दोनों ये क्या कलकत्ता में बैठ के बात कर रहे हैं? तू सुन रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? सुन ही रहा होगा, इतने लंबे लंबे कान है तेरे, सब सुनाई दे रहा है ना? गुड, थैंक यू। अरे तेरे पैर नहीं है यार, तेरे पैर नहीं है यार, अगर तेरे पैर होते ना तो ये सब बातें जाके राधा को बता देता। पैर ही नहीं है तेरे, अब देख टेलीफोन पे बोल देगा प्लीज।
हाथ भी नहीं है, ना हाथ है ना पैर है, सिर्फ कानी कान है। काका घोड़ा यार तू बेटा। कैसे, क्या बोला तू? गोपाल बेटा। हाँ बोलो गोपाल बेटा। हाँ बोलना यार, क्या? मैं हूँ काका। हाँ? बेटा मैं जाकर राधा को बोल दूँ तुम्हारे दिल की बात। क्यों? क्योंकि आपके पैर हैं। सुना ये घोड़ा, काका कह रहे हैं कि वो राधा को जाकर सब कुछ बता देंगे क्योंकि उनके पास पैर हैं। आपके पास पैर हैं? हाँ। लेकिन आप घोड़े नहीं हैं। पर बेटा मेरे को कोई नसीहत देने की या हमदर्दी जताने की जरूरत नहीं है। आपके पास पैर हैं? हाँ। तो जाइए अपने बिस्तर पर पैर पसार कर सो जाइए। गो बेटा। बस बस बस। सर मैं सूरज बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। सर मुझे आपसे 2 मिनट लिए मिलना है। नहीं मैं इस वक्त तुमसे नहीं मिल सकता। सर प्लीज सर 2 मिनट लिए। सर मैंने कहा ना मैं इस वक्त बहुत बिजी, मैं तुमसे नहीं मिल सकता, प्लीज फोन रखो। सर नहीं सर, आपको मुझसे मिलना ही पड़ेगा। सर क्यों मिलना है? सर मुझे आपसे एक बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, प्लीज फोन रखो। सर आप कुछ भी कर लो सर, आप मुझे किधर भी बुला लो सर, मुझे आपसे मिलना ही है। प्लीज सर, प्लीज सर। इस वक्त तुम कहां पर हो? यहीं रुको। अरे राधा बिटिया तुम आओ 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 आओ। काका वो ठीक है ना? वो तो बिल्कुल ठीक है, अभी बाहर गए हैं। लेकिन तुम इतनी परेशान और घबराई हो क्यों बेटे? कुछ नहीं काका, बस। फिर अंदर आ जाओ ना। मैं आऊंगी, जरूर आऊंगी, जिस दिन वो मुझे लेने आएंगे। कैसे हैं गोपाल सर? कौन हो तुम? मैं सूरज सर, आपने मुझे पहचाना नहीं? नहीं, कौन हो तुम? कोई भी नहीं, लेकिन आपने राधा के साथ ऐसा क्यों किया? यही मुझसे ये पूछने वाले कौन हो तुम? सर आपके बाद एक मैं ही तो हूँ जो राधा के बारे में पूछ सकता हूँ, उसका ख्याल रख सकता हूँ। आप मुझे बताइए ना उसे क्या गलती हुई? गलती उसकी नहीं, गलती तुम्हारी है। मेरी? क्या पागलों से बात कर रहे हैं? मैं पागल हूँ? सर बेवकूफी की बात है। बेवकूफ हूँ मैं? है कौन तू मेरी बीवी का? हाँ क्या लगता है तू? उसका बड़ा भाई है, उसका छोटा भाई है, चचेरा भाई है, मामा है, ताया, क्या है तू? क्या रिश्ता क्या तेरा मेरी बीवी के साथ? हाँ दुनिया में सिर्फ यही रिश्ते हैं। हाँ यही रिश्ता है ना, और क्या रिश्ता है? पड़ोसी है ना, यूं मुंह उठाकर मेरे घर के अंदर क्यों घुसा चाहता है तू? बोल, तुझे नहीं पता मुझे नहीं पसंद कि तू मेरे घर के अंदर आए? एक किसी घर की बीवी को दिन में कितनी बार फोन करेगा तू? 4 बार 8 बार 10 बार? मालूम है कितना दुख होता है मुझको? मेरे ही सामने मेरे ही घर में मेरी बीवी से कहता है तुझको एक बच्चा चाहिए तेरे लिए? You are a criminal. ठीक है मैं क्रिमिनल हूँ। हाँ। लेकिन तुम क्या हो? तुम तो उसके हस्बैंड हो ना, पति हो ना, वो तुम्हारे साथ सोती है, तुम्हारे साथ उठती है, तुम्हें उस पर भरोसा नहीं? नहीं 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 नहीं, मुझे उस पर भरोसा नहीं है। नहीं है मुझे उस पर भरोसा। वो मुझसे ज्यादा तुम्हें पसंद करती है, तुम्हारी तारीफ करती है। मैं तो सिर्फ नाम का पति। अरे शादी तो तुम्हारी होनी चाहिए उसके। बहुत सुनी तुम्हारी बकवास, बहुत सुनी तुम्हारी बकवास। तुम एक कॉम्प्लेक्स है, तुम छिछोरा हो। मैं छिछोरा हूं? कॉम्प्लेक्स है तू? मैं छिछोरा हूं? छिछोरा है तू? छिछोरा हूं मैं? हां रुक एक मिनट रुक, कॉम्प्लेक्स बोलता है मुझको? ये ले कॉम्प्लेक्स है, ये ले छिछोरा हूं, ये ले पकड़ इसको, ले पल-पल मरता हूं तेरी वजह से, पल-पल मरता हूं, रोज मरता हूं तेरी वजह से। ये पल-पल के मरने से अच्छा है एक ही बार खत्म कर दे मुझको। ले गोली मार मुझको तू। कॉम्प्लेक्स बोलता है मेरे को, कॉम्प्लेक्स बोलता है मेरे को,
जब तेरी शादी होगी ना और आधी रात को तेरी बीवी चुप चुप के किसी और से फोन पे बात करेगी, तब मुझे बताना कॉम्प्लेक्स क्या है। चुप चुप के बात करती है, चुप चुप के बात करेगी तब मुझे बोलना। चुप चुप की बात करती है, कॉम्प्लेक्स बोलता है मेरे को, कॉम्प्लेक्स बोलता है, छिछोरा हूँ, छिछोरा है तू, चुप चुप चुप, छिछोरा बोलता है मेरे को। और अभी नहीं मालूम पड़ेगा तेरे को, अभी नहीं मालूम पड़ेगा, बाद में मालूम पड़ेगा, शादी के बाद मालूम पड़ेगा। देवी जैसे बीवी भरोसा नहीं करता है, हट, छिछोरा है तू। तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं, शक की भी अदूती साला, शक की कहीं का। अरे इतना बड़ा आदमी और सोच इतनी घटिया, न जाने राधा और मेरे बारे में क्या क्या बोलता रहा, और मैं सिर्फ राधा की वजह से चुप बैठा था तो मैं उसको जान से मार देता। फोन तो लगाऊं उसे। शक करने से पहले उसे ये सोचना चाहिए था आप और राधा जी बचपन के दोस्त हैं। क्या दोस्त हैं बस। फिर इसमें सारी गलती मेरी है। वो कैसे? क्योंकि मैं राधा के साथ, राधा की शादी के बाद भी वैसे था जैसे कि शादी के पहले। पहले हंसना खेलना, वही हंसी मजाक। तो क्या हुआ, आप बचपन के दोस्त हैं? अरे ये तुझे मालूम है कि राधा और मैं दोस्त हैं, मुझे मालूम है, अपने अमिताभ को मालूम है, राधा को मालूम है, लेकिन उसको थोड़ी मालूम, वो तो यही सोच रहा है कि राधा मेरा कोई चक्कर चल रहा है। इसमें शक करने की क्या बात है? अगर तेरी बीवी किसी गैर मर्द के साथ मिले जुले तो तुझे कैसा लगेगा? अगर मेरी बीवी ने ऐसा कुछ किया तो मैं तो उसको जान से मार दूंगा यार। अरे इसने तो फिर भी कुछ भी नहीं किया यार। यही बात है ना, तो पहले दिन आपको और राधा जी को बता देना चाहिए था, आपका मिलना जुलना हंसी मजाक उसे पसंद नहीं है। वो कैसे बोलेगा, वो हंस के हेलो तक नहीं बोलता यार। इस शक की वजह से राधा जी की जिंदगी बर्बाद की उन्होंने। अरे तू समझ नहीं रहा यार, राधा की जिंदगी उसने नहीं मैंने बर्बाद की है, वो भी अनजाने में। लेकिन अगर मैंने उसके घर को नर्क बनाया तो स्वर्ग भी मैं ही बनाऊंगा। नीता, मैं गोपाल से मिलने आया हूँ। गोपाल घर पे? भैया घर पे नहीं है। सुनो तुम्हें क्या बोलूं, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि गोपाल मुझसे नफरत करता है, उसे मेरा राधा से मिलना जुलना पसंद नहीं है। लेकिन मैं और राधा बचपन के साथी हैं, हम लोग भाई बहन जैसे हैं, और यही बात मैं गोपाल को समझाने गया था लेकिन वो समझना ही नहीं चाहता। देखो तुम प्लीज उन्हें समझाओ, नहीं तो ये दोनों अपनी जिंदगियां बर्बाद कर देंगे और मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। सुनो मैं तुम लोग की जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता, लेकिन तुम लोग मेरी जिंदगी में बहुत मायने रखते हो। प्लीज गोपाल के लिए, तुम्हारी भाभी के लिए। के बेहतरीन पॉप गायक के पुरस्कार के लिए सुप्रसिद्ध गायक श्री सूरज को चुना गया है। मुंबई के आज तक के पुरस्कारों में ये पुरस्कार पहली बार सूरज को दिया जा रहा है। धन्यवाद। कांग्रेचुलेशन मिस्टर सूरज, आपको इतना बड़ा अवार्ड मिला है, हम आपके फैंस के लिए कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। सूरज जी, क्या आपको इस अवार्ड के मिलने से पहले कुछ उम्मीद थी? जी नहीं, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं थी, बट मुझे अपने फैंस पर पूरा भरोसा था कि ये अवार्ड मुझे मिलेगा, पता नहीं क्यों। सर, हाउ डू यू फील आफ्टर रिसीविंग सच अ ग्रेट अवार्ड? इट फील्स ग्रेट, फैंटास्टिक, फील ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू वेरी मच। आपने शादी के बारे में क्या सोचा है? गेट मैरिड सून, वेरी सून। हाय सूरज, कांग्रेचुलेशंस फॉर द अवार्ड। थैंक यू। ओके, बाय बाय बाय, थैंक यू, बाय। कमाल है, पूरी दुनिया ने फोन किया लेकिन एक राधा ही नहीं जिसने फोन किया। हेलो, कौन बोल रही हैं आप? मैं राधा बोल रही हूँ, मिसेस गोपाल। जरा गोपाल जी को फोन दीजिए। देखिए भाभी जी, वो सुख शांति की जिंदगी जी रहे हैं, उन्हें क्यों डिस्टर्ब कर रही हैं आप? लेकिन फोन रख दीजिए।
राधा, हद कर दी तुमने। पूरी दुनिया ने मुझे फोन करके बधाई दी, एक तुम्ही ने मुझे फोन नहीं किया। कैन यू बिलीव इट, आज मुझे बेस्ट सिंगर तो मिलिन का अवार्ड मिल रहा है। और मैं चाहता हूं कि जब ये अवार्ड मुझे मिले तुम मेरे सामने हो। राधा, मैं तुम्हारा दुख समझता हूं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम्हें साथ शो में चलना पड़ेगा, ठीक है? आई कांट पिक यू अप। ओके, चलता हूं। सूरज। हाँ? मैं नहीं आऊंगी। ये क्या कह रही तुम राधा? वैसे भी सारी गलती मेरी थी कि मैं उन्हें ठीक से समझ नहीं पाई। मैं एक अच्छी बेटी थी, एक अच्छी बहन रही, एक अच्छी दोस्त भी रही, लेकिन मैं कभी एक अच्छी पत्नी नहीं बन सकी। अगर मुझे मालूम होता ना कि मेरा तुमसे बात करना भी उन्हें पसंद नहीं, तो मैं कभी तुमसे बात नहीं करती। अगर तुम मेरी भलाई चाहते हो ना, तो यहां से चले जाओ और दोबारा यहां कभी मत आना। चले जाओ यहां से। ठीक है, तुम रो मत, चले जाओगे। सूरज, कब से फोन लगा रही हूँ, उठाया क्यों नहीं, क्या बात है? माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह जानती हूं। मैं सुमन हूं। आइए बैठे। मैं यहां बैठने नहीं आई हूं। आई एम सॉरी टू से दिस गोपाल जी, लेकिन आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं। आप एक अच्छी पति भी नहीं हैं। एक्सक्यूज मी, आप कहना क्या चाहती? क्या आप दूसरों की इज्जत करते हैं? क्या आप दूसरों के दर्द को समझते हैं? क्या आपने कभी अपनी पत्नी की भावनाओं को समझा है? मुझे आपके घर के मामले में दखल नहीं देना चाहिए। आपने राधा को अपने घर से किसी भी कारण निकाला हो, मगर उसका इल्जाम मेरे सूरज पर क्यों लगा दिया? जब आप अपनी पत्नी, अपनी राधा को नहीं समझ सके, मेरे सूरज को क्या समझोगे? अगर आपको सूरज का राधा से बात करना पसंद नहीं था, तो आप दोनों से पहले ही कह देते। जानते हैं आप, अगर सूरज मुझे दिन में 10 बार फोन करता है, तो उसमें 100 बार राधा का जिक्र होता है।
लेकिन मैंने इसे कभी गलत नहीं माना, क्योंकि मैं उसके दिल की हर धड़कन को अच्छी तरह समझती हूँ। प्यार करती हूँ सूरज से, उसकी आवाज, उसके गीत, उसकी खुशी मेरे जीने के लिए काफी है। मगर आप राधा के पति होकर भी उसे समझ नहीं सके। मैं आंखों से अंधी हूँ, काला सफेद बता नहीं सकती, शक्ल भी देख नहीं सकती, लेकिन इंसान को पहचान जरूर सकती हूँ। और मैंने अपने सूरज को पहचाना है दिल से, आत्मा से। और आप सब कुछ देख सकते हैं, और सब कुछ देखकर भी इतने दिन अपनी राधा के साथ रहने के बावजूद आप अपनी पत्नी के असली रूप को पहचान ना सके। तरस आता है आप पर गोपाल जी। शादी के बाद एक औरत के लिए अपना पति ही सब कुछ होता है, भगवान होता है। राधा निर्दोष है, पवित्र है। हर इंसान की जिंदगी में ऐसा होता है, रिश्तों में तनाव आ जाते हैं, पर हमें अपनी कमजोरियों पर काबू पाना चाहिए। अपने पति होने का दम और पुरुष होने का गुरूर छोड़कर अपने आप से पूछिए, सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। मुझे राधा से मिलना है। मुझे अपने आप से नफरत होने लगी है। मैं अच्छा हूं बुरा हूं मुझे नहीं पता, पर मुझे यह मालूम है कि मेरे आसपास जितने लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं। सूरज, प्रशांत, सब बहुत बड़े दिल वाले हैं। बस एक मैं ही खुद कर सूं। अब देखो, मुश्किलें तो सबको मिलती हैं, हमें उनका मुकाबला करना चाहिए, पर मैं नहीं कर पाए। लेकिन अब मैं समझ गया, और मुझे राधा को यह बताना, मुझे राधा से मिलना है अभी इसी वक्त। एक गोली खाके एक रात की नींद, दो गोली खाके दो रातों की नींद, और अगर ये पूरी बोतल खाओगी तो पूरी जिंदगी की नींद। क्या है ये? मुझे मालूम है क्या है ये। घर छोड़कर चली आई, दुनिया छोड़कर जा रही हो, और ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें लेने आया हूं। मुझे मालूम है एक सारी गलती मेरी। आई एम सॉरी। नहीं नहीं मत कहो, नहीं, मैं... पर तुम नहीं, तुम मेरे साथ चलो बस। नहीं मैं... अच्छा कहो क्या कहना है, नहीं तो कहोगी मैंने कहने नहीं दिया। कहो, मुझे माफ कर दो। मुझे भी। मुझे...
कहाँ है? Ladies and gentlemen, अब मैं आप लोगों को और एक गुड न्यूज देना चाह रही हूँ. Even y'all cannot imagine what I'm going to say. Life partner of your favorite and loving singer Suraj, she's between us. And now I request her to please come on stage and give this award to Suraj. Manji, could you please say a few words? Suraj, मैं क्या करूँ? कुछ नहीं. मैं बहुत खुश हूँ. हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूंगी. कहते हैं हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, पर इनकी सफलता के पीछे मैं नहीं, कोई और है. और मैं चाहती थी कि मेरे सूरज को ये अवार्ड उन्हीं के हाथों से मिले. अफसोस आज वो हमारे बीच यहाँ नहीं आ पाई, और इसलिए ये शुभ कार्य करने का सौभाग्य मुझे मिला. शुक्रिया. Very well, sir. अभी अभी जो सुमन ने कहा बहुत सही कहा, कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो औरत उसकी गर्लफ्रेंड, उसकी पत्नी हो. वो औरत कोई भी हो सकती है, उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी बेटी, उसकी टीचर, कोई दोस्त. मैं राधा से अवार्ड लेना नहीं चाहूँगा, बल्कि राधा को ये अवार्ड देना चाहूँगा, क्योंकि राधा का सपना था. जिस लड़की को मैं अवार्ड देना चाहता था वो इस वक्त स्टेज पे आ रही है. मुझे माफ नहीं करें गोपाल सर, माफी तो मुझे मिलनी चाहिए. कुछ गलती तुम्हारी थी, कुछ मेरी, कुछ हम सब की. राइट. आज तक तुम्हारे बारे में सिर्फ सुना है. बहुत खूबसूरत हो तुम. आप भी बहुत अच्छी हैं. सूरज, एक छोटा सा काम था तुमसे. क्या? मुझे गाना सिखा दोगे? थोड़ा सा. ये छोटा सा काम है, बहुत बड़ा काम है. चांस ही नहीं, बहुत मुश्किल है. नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल.